हेलो साथियों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? मैं अतुल तिवारी आप सभी का गांवपुर परिवार में स्वागत करता हूं। नमस्कार, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? कैसे चल रही है आप लोगों की तैयारी? चलिए, लाइव भी बिल्कुल आपके साथ। और आइए सेशन को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आइए सेशन को स्टार्ट करते हैं और जानेंगे आज क्या कुछ क्वेश्चन कहा यहाँ पे रखे गए हैं। देखिए, जॉर्ज कैसल भवन जो है समुद्र तल से इसकी ऊंचाई कितनी है? क्वेश्चन आज का पहला क्या है कि जॉर्ज कैसल भवन जो है इसकी समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है? ठीक है, और जॉर्ज जॉर्ज कैसल भवन बच्चों ये कहाँ पर स्थित है? तो याद रखना, ये मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में है। जॉर्ज कैसल भवन ये कहाँ पर है? मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में माधव राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत कहाँ पर है? माधव जो नेशनल पार्क है, ठीक है, माधव नेशनल पार्क के अंदर क्या जाता है? जॉर्ज कैसल भवन। ठीक है, ये जॉर्ज कैसल भवन ये कहाँ मिलेगा? तो याद रखेंगे आपके माधव राष्ट्रीय उद्यान के अंदर आ जाता है जॉर्ज कैसल भवन। सभी को राधे राधे, नमस्कार। हेलो गुरुजी, मनीष, प्रतिभा, आशुतोष, आलोक, रोहित, सभी बच्चों को राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारी? मेरी आवाज आ रही है ना? सब कुछ बढ़िया है ना? एक बार बता दीजिएगा, सब कुछ सही है? चलिए आइए, तो यहाँ पर क्या क्वेश्चन बच्चों, क्या आज का पहला हमारा क्वेश्चन ये है कि जॉर्ज कैसल जो भवन है, जॉर्ज कैसल भवन ये समुद्र तल से इसकी ऊंचाई कितनी है और ये कहां पर है? मध्य प्रदेश के शिवपुरी के माधव राष्ट्रीय उद्यान के अंदर कहां पर स्थित है? ये माधव राष्ट्रीय उद्यान के अंदर है। और इसकी स्थापना कब की गई थी? 1911 के लगभग की गई थी। कब की गई थी? 1911 के अंदर, जॉर्ज पंचम के आने पर। जब जॉर्ज पंचम आया था ना, तो जॉर्ज पंचम के आने पर बच्चों याद रखना, इसका इस भवन का निर्माण करवाया गया था। ठीक है, जॉर्ज पंचम जो कि एक अंग्रेज था, जिसके समय पर भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित की गई थी और बंगाल विभाजन का रद्द किया गया था, उसी दौरान क्या बनवाया गया था? तो उसी दौरान याद रखिएगा, जॉर्ज कैसल भवन बनवाया गया था, शिवपुरी में बनवाया गया था। ठीक है, चलिए, ओके ओके भाई, बहुत बढ़िया, ओके, ठीक है ठीक है। हरदेश जी, और नमस्कार सभी बच्चों को, राधे राधे। ठीक है, तो ये कहां पर? तो बच्चों याद रखना, ये आपके शिवपुरी में। और इसकी ऊंचाई कितनी? 484 मीटर है। कितना समुद्र तल से? तो समुद्र तल से इसकी ऊंचाई कितनी मिल जाएगी? 484 मीटर इसकी समुद्र तल से ऊंचाई स्थित है। ध्यान रखना, 412 कितने कौन है? तो जो 412 मीटर की बात कर लेते हैं, तो 412 मीटर कौन आ जाता है? तो 412 मीटर ध्यान रखना जबलपुर। ठीक है, जो जबलपुर है ना, जबलपुर हाई कोर्ट, यानी कि जबलपुर की बात करें बच्चों, जबलपुर जो हाई कोर्ट है, उच्च न्यायालय, इसकी ऊंचाई कितनी है? तो जबलपुर हाई कोर्ट की जो ऊंचाई है समुद्र तल से, वो कितनी? 512 मीटर है समुद्र तल से। ठीक है, सी लेवल से। 527 कौन है? भोपाल है। ध्यान रखना, 527 कौन है? भोपाल की ऊंचाई है समुद्र तल से। और 494 कौन है? बाबा भोलेनाथ, यानी कि महाकाल। कौन है? महाकाल। महाकाल की नगरी हम किसे बोलते हैं? तो महाकाल की नगरी उज्जैन को कहते हैं। तो उज्जैन में जो बाबा भोलेनाथ हैं, इनकी ऊंचाई समुद्र तल से कितनी है? तो 494 मीटर है। और ये क्वेश्चन कब आया था? पिछले साल 2021-22, जो 22 वाला पेपर होता है, 2021-22 वाला कॉन्स्टेबल में पेपर आया था। इसमें क्या पूछा गया था कि जॉर्ज कैसल भवन जो है ना, इसकी समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है? ये आपके कांस्टेबल का आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, किसमें आया है? कांस्टेबल का ये आया हुआ क्वेश्चन है। चलिए, और इसी शिवपुरी में देखो क्या स्थित है बच्चों। शिवपुरी में साख्य सागर झील है। क्या स्थित है यहाँ पर? साख्य सागर झील है शिवपुरी में। साख्य सागर झील, जाधव सागर झील, जाधव सागर झील, ये सभी कहां पर है? शिवपुरी में है। साथ में यहीं पर नोट करेंगे, कत्था फैक्ट्री स्थित है। कत्था फैक्ट्री, कत्था उद्योग के लिए कौन है? शिवपुरी को जाना जाता है। साथ में इसे हम क्या बोलते हैं? पहली पर्यटन सिटी, पर्यटन शहर, मध्य प्रदेश का पहला पर्यटन शहर कौन था? पहला पहला पर्यटन शहर मध्य प्रदेश का कौन सा है? तो शिवपुरी कहलाता है। साथ में ध्यान रखना, शिवपुरी में ही मधिखेड़ा बांध स्थित है। मधिखेड़ा बांध, मधिखेड़ा बांध ये शिवपुरी में है। और इसी मधिखेड़ा का नाम बदल दिया गया, अटल सागर कर दिया गया है। क्या नाम कर दिया गया? अटल सागर। नोट करेंगे, अटल सागर। और इस शिवपुरी में जो माधव राष्ट्रीय उद्यान है, यहां से मनहार नदी बहती है। कौन सी नदी? मनहार नदी बहती है। नोट करना, ठीक है, मनहार नदी कहां से बहती है? तो माधव राष्ट्रीय उद्यान से मनहार नदी बहती है। ठीक है, मनहार नदी कहां से बहती है? तो शिवपुरी के माधव राष्ट्रीय उद्यान से मनहार नदी बहती है। ठीक है, इस बात को नोट करेंगे। और साख्य सा जो साख्य जी की, साख्य राजे सिंधिया, इनकी समाधि भी कहां पर है? तो साख्य राजे सिंधिया की समाधि आपके शिवपुरी में है। और जो माधव राष्ट्रीय उद्यान है ना, इस माधव राष्ट्रीय उद्यान में तात्या टोपे की समाधि है। किसकी है? तात्या टोपे की समाधि है। तात्या टोपे को फांसी कब दी गई थी? 18 अप्रैल
1859 यहां पर किसको फांसी दी गई थी, तो तात्या टोपे को फांसी दी गई थी। और उनकी समाधि भी कहां पर है, माधव राष्ट्रीय उद्यान के अंदर। माधव नेशनल पार्क कब बना था, तो याद रखना 1958 में। कब बनाया गया था, 1958 में। यहां पर माधव राष्ट्रीय उद्यान। नरवर का किला कहां पर है, तो नरवर का किला, नरवर का किला बच्चों ये कहां मिलेगा, तो शिवपुरी में नरवर का किला स्थित है। कहां पर, शिवपुरी में नरवर का किला स्थित है, इस पे को भी नोट करेंगे। हाँ 1859, बहुत बढ़िया शिवानी, याद रखेंगे। यहां पर तात्या टोपे की समाधि है, और कब इनको फांसी दी गई थी, 18 अप्रैल 1859 में तात्या टोपे को फांसी दी गई थी। ठीक है, गुड इवनिंग भाई, सभी को राधे राधे। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, अगले पॉइंट पर आते हैं। देखो अगला क्वेश्चन हमारा क्या है कि इन मदाई जो है बच्चों, इनमें से किस स्थान पर स्थित है, इनमें से मध्य प्रदेश के किस जिले में मदाई, एक्चुअली ये एक पर्यटन स्थल है। मदाई क्या है बच्चों, तो मदाई जो है ना, ये मदाई एक पर्यटन स्थल है। और ये जो मदाई पर्यटन स्थल है, ये मध्य प्रदेश के किस जिले में आता है। ठीक है, मदाई बोलो या फिर, अच्छा इंग्लिश में दूसरा लिखा, ठीक है कोई बात नहीं, इसको करेक्शन करिएगा, मदाई कर लीजिएगा, क्या करिएगा, मदाई। तो बच्चों ये बताएंगे जो ये मदाई पर्यटन स्थल है, ये मध्य प्रदेश में कहां पर स्थित है। मदाई जो पर्यटन स्थल है, ये मध्य प्रदेश में कहां पर आ जाता है। 1958 में, हाँ राष्ट्रीय उद्यान कौन बना था, माधव राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना की गई थी 1958 में शिवपुरी जिले के अंतर्गत। कहां पर, शिवपुरी जिले के अंतर्गत माधव राष्ट्रीय उद्यान को स्थापित किया गया था। तो जो मदाई है बच्चों, ये नर्मदापुरम में आ जाता है, सतपुड़ा में। कहां पर आता है, ये सतपुड़ा का जो भाग है ना, जो पचमढ़ी, ठीक है सॉरी पचमढ़ी, सतपुड़ा मत लिखिएगा, पचमढ़ी लिखिएगा, पचमढ़ी का जो एरिया आ जाता है ना, पचमढ़ी, जो कि नर्मदापुरम जिले में आ जाता है। और आदमगढ़, आपने सुना होगा यहां पर क्या, आदमगढ़ की गुफाएं, इसी भाग में क्या स्थित है, जो आदमगढ़ की गुफाएं है ना, आदमगढ़ की गुफा, ये कहां है, तो मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम जिले में आदमगढ़ की गुफाएं हैं। और यहीं पर ये जो पर्यटन स्थल मदाई है, ये कहां मिलेगा, नर्मदापुरम जिले के अंतर्गत आपको मिलेगा। कहां, नर्मदापुरम जिले के अंतर्गत ये मदाई आपको मिल जाएगा, बिल्कुल बहुत बढ़िया। कहां मिलेगा, मदाई नर्मदापुरम में। पचमढ़ी यहां पर आप जानते हैं, पचमढ़ी आ जाएगा। साथ में यहीं पर बच्चों क्या लिखेंगे, बी वॉटरफॉल, बी जलप्रपात कहां पर स्थित है, तो बी जलप्रपात पांडव गुफाएं यहीं पर क्या स्थित है, पचमढ़ी में पांडव गुफा है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, पांडव गुफा यहां पर स्थित है। बी जलप्रपात, बी यानी मधुमक्खी वाला, मधुमक्खी जलप्रपात मिलेगा। आदमगढ़ की गुफा है, पचमढ़ी यहां पर आपका आ जाता है। ठीक है, और धूपगढ़ सबसे ऊंची चोटी यहां पर स्थित है, धूपगढ़, जिसकी ऊंचाई 1350 मीटर के लगभग है। ठीक है, 1350 मीटर है, ये कहां मिलेगा, सभी नर्मदापुरम जिले के अंतर्गत। कहां है, नर्मदापुरम जिले के अंतर्गत। भोपाल में देखो क्या क्या आ जाता है, भोपाल बच्चों देखो यहाँ पे केरवा बांध, क्या लिखिएगा, भोपाल में केरवा बांध कहां पर आएगा, केरवा डैम। ठीक है, केरवा बांध ही कहां मिलेगा, तो केरवा बांध लिखेंगे भोपाल में, ये केरवा डैम स्थित आ जाता है। ठीक है, केरवा के अलावा यहां पर क्या मिलेगा, भदभदा, क्या लिखेंगे, भदभदा। भदभदा डैम कहां पर है, भोपाल में है। बड़ी झील यहां क्या लिखिएगा, भोपाल की बड़ी झील, जिसे भोज ताल के नाम से जानते हैं, किस नाम से जानते हैं, भोज ताल के नाम से जानते हैं, भोपाल में स्थित है। बच्चों यहां पर क्या मिलेगा, आप लोगों को दो पॉइंट और लिखेंगे इसके बारे में। यहां पर एक महत्वपूर्ण क्या जाता है, मनुआ भान टेकरी, क्या लिखेंगे, मनुआ भान टेकरी, ये मध्य प्रदेश के भोपाल में क्या है, मनुआ भान टेकरी स्थित है। भोपाल जो है सात पहाड़ियों पर स्थित है, भोपाल कितनी पहाड़ी पर है, सात पहाड़ियों पर, सात पहाड़ियों पर भोपाल स्थित है। ध्यान रखेंगे, सात पहाड़ियों पर कौन स्थित है, भोपाल जो है सात पहाड़ियों पर आ जाता है। ठीक है, हाँ बिल्कुल बहुत बढ़िया, चलिए ओके ओके अंकित जी, ओके जितेन, प्रतिभा, शिवानी, अंजना, एमपी पुलिस जी, हरदेश जी, ओके चलिए बहुत बढ़िया। ठीक है, हाँ केरवा बांध भोपाल में, कहां पर, केरवा बांध बच्चों यह कहां पर मिलेगा, केरवा बांध भोपाल में, भदभदा डैम भोपाल में है, बड़ी झील लिख लीजिएगा, भोजताल जिसे जानते हैं। ठीक है, मनुआ भान टेकरी सात पहाड़ियों पर भोपाल आ जाता है। इसके अलावा देखो, इसके अलावा गुफा मंदिर भोपाल में क्या स्थित है, गुफा मंदिर नोट करेंगे, गुफा मंदिर कहां पर है, तो गुफा मंदिर ये मध्य प्रदेश के भोपाल में स्थित है, गुफा मंदिर। ठीक है, गुफा मंदिर मिल जाएगा, यहीं पर क्या मिलेगा, तो याद रखना ताजुल मस्जिद है, जो कि एशिया की सबसे बड़ी मस्जिद है, ताजुल मस्जिद भोपाल में है। ताजुल मस्जिद के बाद याद रखना गौहर महल, कुदसिया बेगम ने बनवाया था, गौहर बेगम, ठीक है, जो गौहर महल स्थित है, गौहर महल लिखिएगा, जहानुमा पैलेस लिखें, जहानुमा पैलेस, ये बच्चों कहां पर है,
तो जहनुमा पैलेस मध्य प्रदेश के भोपाल में स्थित है, साथ में यहीं पे भारत भवन, ठीक है, भारत भवन 1982 में बनाया गया था, रविंद्र भवन, ये सारी जो बिल्डिंग है ये सारी इमारतें कहां पर मिलेंगी, मध्य प्रदेश के भोपाल में, लक्ष्मी नारायण मंदिर जो कि बिड़ला मंदिर के नाम से जाना जाता है भोपाल में स्थित है, ये सारे प्लेसेस कहाँ आपको मिल जाएंगे, भोपाल के अंदर मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे, भोपाल में है। तो भोपाल में बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी चीजें हैं, वन विहार नेशनल पार्क भी भोपाल में स्थित है, और यहाँ पर याद रखना कि जो पशु घायल हो जाएंगे उन उन जो घायल पशुओं के लिए जो कहा सकते हैं कि उनका जो कह सकते हैं कि पुनर है ना, एक मिनट वेट करेंगे, चलिए ठीक है, तो पुनर्वास याद रखना, घायल पशुओं की बात करें बच्चों तो घायल पशु, ठीक है, ध्यान रखिएगा, घायल पशुओं का जो पुनर्वास स्थल है पुनर्वास के लिए कहां पर बनाया गया है, तो घायल पशुओं के पुनर्वास का जो सेंटर बनाया गया मध्य प्रदेश का भोपाल बनाया गया, और यहीं पर सर्प उद्यान है, वन विहार में क्या स्थित है, सर्प उद्यान भी, एकमात्र सर्प उद्यान कहां पर मध्य प्रदेश के भोपाल में स्थित है, कमलापति पैलेस भोपाल में, नोट करेंगे कमलापति पैलेस ये भोपाल में स्थित है, कहां पर, कमलापति पैलेस भोपाल में, 2.5 फीट मस्जिद, ठीक है, 2.5 फीट मस्जिद ये कहां पर है, सबसे छोटी मस्जिद है, ध्यान रखना 2.5 फीट मस्जिद बच्चों ये मध्य प्रदेश के भोपाल में स्थित है, 2.5 या फिर 2.5 फीट मस्जिद इसे बोलते हैं, ठीक है, इसे 2.5 या फिर 2.5 फीट मस्जिद बोलते हैं, जो कहां पर है तो याद रखना मध्य प्रदेश के भोपाल में। सर मैंने बुक ऑर्डर किया था नहीं आई है, तो आपने कॉल किया क्या, दोबारा एक बार कॉल कर लीजिए, आपने कॉल किया क्या, कभी आपने बताया, आपने कभी नहीं बताया ना आपने कभी कॉल किया, ठीक है, आप एक बार दोबारा हमें आप अपना नंबर दे दीजिए, ठीक है, आप हमें नंबर दे दीजिए या फिर इस नंबर पर आप व्हाट्सएप कर दीजिए, ठीक है, आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कर दीजिए, आपकी किताब आप तक पहुंच जाएगी, ठीक है, आपकी किताब जिन बच्चों ने कभी अगर मुझे बताया होगा उनकी किताब उनके घर में तीसरे चौथे दिन पहुंच गई होगी, ये नंबर है 98 करके है, ठीक है, मैं एक बार फिर से लिख दे रहा हूँ, इस नंबर पर आप व्हाट्सएप कर देना या कॉल कर लेना, ठीक है, इस नंबर पर 8448116245 इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर देना अपनी सारी डिटेल कि आपने किस तारीख को ऑर्डर किया था, आपका नाम क्या है, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, सारा अपना इसमें सारी चीज भेज देना, एड्रेस वेड्रेस सारी किताब है ना आपके घर पर पहुंच जाएगी, या फिर क्या होगा इस नंबर पे कॉल कर लेना, ठीक है, इस नंबर पे कॉल कर लेना, जब तक कोई ना उठाए जवाब ना दे तब तक कॉल कर लेना, ठीक है, 9873111552, ठीक है, इस नंबर पे कॉल कर लेना और अपनी जानकारी दे देना कि मेरी किताब थी नहीं मिली है, ठीक है, नहीं मिली है इतना मुझे आपकी तरह बता देना, ठीक है, चलिए आइए बढ़ते हैं, कोई भी दिक्कत आएगी फिर मुझे कल बता देना, अगर फिर भी कोई अगर रिस्पॉन्स नहीं देता कल मुझे बताना, आइए चलते हैं अगले पॉइंट पर। तो यहाँ पर बिल्कुल रानी कमलापति रेलवे स्टेशन है जिसे कि 5 स्टार रेटिंग मिली, सारी बातें नोट करना। जबलपुर में क्या बंदर कूदनी जगह है, जबलपुर में देखो क्या है, तो जबलपुर में बच्चों नोट करेंगे, जबलपुर में क्या स्थित है, बंदर कूदनी जगह ये कहां पर, तो बंदर कूदनी जो जगह भोपाल सॉरी जबलपुर के भेड़ा घाट में, कहां पर है ये, भेड़ा घाट लम्हेटा घाट ग्वारी घाट ये सब कहां मिलेंगे, ये सब याद रखना, सब आपके भोपाल कहां मिलेंगे, जबलपुर में, कौन कौन से प्लेसेस, तो बंदर कूदनी, भेड़ा घाट, ठीक है, घाटा नहीं होगा घाट होगा, ठीक है, भेड़ा घाट, ठीक है, ध्यान रखिएगा, भेड़ा घाट, लम्हेटा घाट, ग्वारी घाट, ये सब कहां पर है आपके, और धुआंधार, आप सब जानते हैं जबलपुर में क्या है, धुआंधार जलप्रपात है, क्या धुआंधार जलप्रपात है, और किस पर, नर्मदा नदी पर बना हुआ, किस पर, नर्मदा नदी पर बना है। सागर में क्या है, तो सागर में जो राता सॉरी यहाँ पर क्या मिलेगा, तो सागर के अंदर ध्यान रखेंगे दो चीजें यहाँ पर बड़ी महत्वपूर्ण है, कौन कौन सा, तो एक तो आपका आ जाता है फोरेंसिक लेबोरेटरी, यानी कि अपराध अनुसंधान है ना, अपराध अनुसंधान केंद्र, ये कहां पर है, अपराध अनुसंधान केंद्र, ये कहां पर मिलेगा आपके, मध्य प्रदेश के सागर में, डीएनए लेबोरेटरी, क्या यहां पर है, डीएनए लेबोरेटरी मध्य प्रदेश के सागर में, ठीक है, तो फोरेंसिक और डीएनए दोनों लिख लेना, फोरेंसिक रिसर्च सेंटर और डीएनए लेबोरेटरी दोनों कहां पर, मध्य प्रदेश के, ठीक है, मध्य प्रदेश में कहां मिल जाएगी, तो बच्चों नोट करना सागर के अंतर्गत मिल जाएगी, कहां पर, मध्य प्रदेश के सागर में। बीना यहां पर क्या है, तो बीना याद रखना यहां पर औद्योगिक क्षेत्र आ जाता है, जहां पर कि भारत ओमान बीना रिफाइनरी, ऑयल रिफाइनरी स्थित है, राहतगढ़ जलप्रपात है, देवरी का किला है, ठीक है, गौर झामर का किला यहां पर मिलेगा, क्या गौर झामर का किला,
खिमलासा का किला, ये सारे प्लेसेस कहाँ मिलेंगे? सागर के अंतर्गत मिलेंगे। और सागर में ही क्या एरण अभिलेख है, क्या है सागर में, याद रखना एरण अभिलेख है, जो कि अशोक के समय का, सॉरी भानुगुप्त के शासन का, किसका है? भानुगुप्त के शासन काल का है। और इसमें सती प्रथा के प्रमाण मिले हैं, किसके मिले हैं? सती प्रथा का प्रमाण कहाँ मिला? तो सती प्रथा का प्रमाण एरण अभिलेख से मिला है, जो कि कहां पर है? सागर जिले में है। कहां पर है? सागर जिले के अंतर्गत, ये नोट करेंगे। चलो भाई, इनमें से कौन सा स्थान राजमाता अहिल्या देवी होलकर के साम्राज्य की राजधानी थी? अहिल्या बाई होलकर के साम्राज्य की राजधानी इनमें से कौन थी, जरा बताइएगा। ठीक है, चलिए सारे बच्चे सेशन को एक बार शेयर कर लीजिएगा। हाँ, आवचंद्र की गुफाएं भी है, आवचंद्र की गुफाएं भी कहां पर है? सागर में। सर ये बंदर कूदनी कोई परख है क्या? नहीं, एक्चुअली पर्वत का नाम है, पहाड़ है। बंदर कूदनी एक्चुअली पहाड़ का नाम है। ठीक है, बंदर कूदनी क्या है? वहां पर एक जगह है जहां पर काफी बंदर रहते हैं, वो पहाड़ी है। बंदर कूदते हैं मतलब कहने का कि पहाड़ी है। जब भेड़ाघाट आप जाते हो ना, जबलपुर सिटी से आप कहां जाते हो? भेड़ाघाट जाते हो। तो भेड़ाघाट जब आप पहुंचोगे तो बच्चों एक जगह जहां पर काफी बंदर वहां पर इकट्ठा होते हैं। ठीक है, उस पहाड़ी पर कौन रहता है? तो याद रखना मतलब ये बंदर ही रहते हैं और वो लोगों को परेशान करते हैं। तब से इसका नाम क्या फेमस पड़ गया? तो बंदर कूदनी इसका नाम पड़ गया। क्या पड़ गया इसका? बंदर कूदनी नाम पड़ गया, जो कि जबलपुर के अंतर्गत आ जाता है। गौरझामर का किला, बिल्कुल, चलिए बहुत बढ़िया, सागर में गौरझामर है। आइए इनमें से बताओ, राजमाता अहिल्या देवी अहिल्याबाई होलकर के साम्राज्य की राजधानी क्या थी? तो याद रखना ये माहेश्वर थी। मुझे पता था कि आप इंदौर लगाओगे। ठीक है, मुझे पता था कि आप क्या लगाओगे? इंदौर लगाओगे। और इंदौर 200% गलत हो जाएगा। ठीक है, इंदौर जो है ये 200% आपका क्या होगा? गलत हो जाएगा। जब राजमाता देवी अहिल्याबाई, जब ये रानी थी ना, कहाँ की रानी? तो ये मालवा या फिर है ना होलकर साम्राज्य, आप ये समझ सकते हो, या तो मालवा की रानी कह सकते हो या फिर क्या कहोगे, होलकर साम्राज्य की जब रानी थी। इन्होंने अपनी राजधानी क्या बनाई थी? इन्होंने अपने साम्राज्य की जो राजधानी थी कहां बदल दी थी? तो राजवाड़ा इंदौर से बदल दी थी। ठीक है, पहले इनकी राजधानी क्या थी? राजवाड़ा इंदौर थी, और इन्होंने राजवाड़ा इंदौर से कहां बदल दी थी? महेश्वर कर दिया था। कहां पर कर दिया था? महेश्वर, जो कि खरगोन जिले में आ जाता है। कहां पर है? महेश्वर, खरगोन। अपनी राजधानी किसने बनाई थी? तो देवी अहिल्याबाई होलकर ने महेश्वर खरगोन को बनाया था, ना कि इंदौर को। लेकिन फिर बाद में फिर इन्होंने क्या कर दिया? फिर बाद में इन्होंने महेश्वर से दोबारा कहां ट्रांसफर कर दिया? दोबारा फिर ये इंदौर ला लिया था। लेकिन इनके साम्राज्य की अपनी राजधानी उन्होंने क्या बनाई थी? तो महेश्वर को बनाई थी। और ये महेश्वर कहां पर आता है? खरगोन में। और अहिल्याबाई की समाधि भी कहां पर है? देवी अहिल्याबाई की समाधि, ध्यान रखिएगा, अहिल्याबाई की समाधि कहां पर है? तो ये खरगोन के महेश्वर में है। कहां पर? महेश्वर में। और बाजीराव पेशवा किसकी है? बाजीराव पेशवा की भी समाधि, ध्यान रखिएगा, ये मराठा शासक थे बाजीराव पेशवा, आप सभी जानते हैं। तो बाजीराव पेशवा की समाधि कहां पर है? याद रखना, खरगोन में, महेश्वर में। कहां पर? खरगोन, महेश्वर में। और बच्चों जो खरगोन है ना, ये खरगोन किस लिए फेमस है? तो कपास के लिए जाना जाता है, कपास और मूंगफली। ठीक है, कपास मूंगफली इन दोनों का अनुसंधान केंद्र भी है। कपास और मूंगफली दोनों का अनुसंधान केंद्र ये कहां पर है? तो ये अनुसंधान केंद्र याद रखिएगा खरगोन में स्थित है। कहां पर? खरगोन में। और मिर्च मंडी यहां पर क्या है? मिर्च मंडी, सबसे बड़ी मिर्च मंडी मध्य प्रदेश की कहां पर है? तो मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जो मिर्च मंडी है ना, ये खरगोन में लगती है। कहां लगती है? खरगोन में लगती है, ध्यान रखिएगा। और कसराबाद इसी खरगोन जिले में क्या आता है? कसराबाद एक जगह आता है जो प्राचीन स्थल है, प्रागैतिहासिक काल का। ठीक है, कसराबाद बच्चों कहां पर आता है? तो याद रख, कसराबाद ये खरगोन जिले के अंतर्गत आ जाता है। और ये क्या है? प्रागैतिहासिक काल का एक बहुत ही फेमस स्थल इसका नाम आ जाता है। ठीक है, हाँ, रावरखेड़ी, बिल्कुल, रावरखेड़ी कहां पर आता है? तो ये खरगोन में रावरखेड़ी आता है, इनकी समाधि यहां पर स्थित है। ठीक है, हाँ बिल्कुल, मिर्ची भी सर थोड़ा धीरे चलिएगा। ठीक है, अंकित शर्मा जी कह रहे थोड़ा धीरे चलिएगा, ओके चलो ठीक है, धीरे चलते हैं, क्योंकि थोड़ा सा क्या होता है ना, स्पीड इसलिए चलना पड़ता है क्योंकि बहुत सारी जानकारियां होती हैं। धीरे चलेंगे, कोई बात नहीं, चलो धीरे पढ़ेंगे। ठीक है, आइए, तो जराज माता देवी अहिल्याबाई के बारे में आपने समझ लिया, सारी बातें आपको पता चल गई ना। ठीक है, चलिए, अच्छा ये देवी अहिल्याबाई कहां से संबंधित थी? आपको ये पता है कि देवी अहिल्याबाई, ये देवी जो अहिल्याबाई है इनका संबंध कहां से था, कोई बताना चाहेगा कि मतलब ये जो देवी अहिल्याबाई हैं, ये कहाँ इनका जन्म हुआ था, कौन बताएगा? देवी अहिल्याबाई जी का जन्म कहाँ हुआ था, कौन बताना चाहेगा? कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि जो देवी अहिल्याबाई हैं, ये किनका जन्म कहाँ हुआ था, किस जगह हुआ था, किस साम्राज्य की रानी थी ये? इनका तो होलकर में तो इनकी शादी हुई थी। ठीक है, होलकर परिवार में तो इनकी क्या हुई, शादी हुई। ये थी कहाँ की, ये बताना जरा। ठीक है,
अच्छा लिख नहीं पाते हैं आप लोग? ओके ओके, लिखने का इतना टाइम थोड़ी रहता है यार यूट्यूब की क्लासेस में, लिखने का इतना टाइम थोड़ी रहेगा, मुश्किल रहेगा ठीक है, लिखने के लिए इतना टाइम नहीं मिलेगा। लिखने के लिए फिर एप्लीकेशन पर आओ, वहां तो बड़े आराम से पढ़ाते हैं, एप्लीकेशन पर पढ़ना पढ़ पाएंगे फिर आप लोग। चलिए खैर कोई नहीं, देखते हैं आइए बढ़ते हैं आगे बढ़े, अगले पॉइंट पर आ जाते हैं। उज्जैन आप जानते हैं महाकाल की नगरी है भाई साहब, कौन है महाकाल की नगरी, आप इसको लिखा मत करो, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया करो ठीक है, आप समझा करो और इसका स्क्रीनशॉट ले लिया करो। स्क्रीनशॉट ले लोगे ना, कितने क्वेश्चन करवाते हैं 15-20 क्वेश्चन, फिर आराम से बैठ के लिखते रहना बाद में ठीक है, आपका टाइम बचेगा। आपके टाइम बचाने का मैं तरीका बता रहा हूँ, यूट्यूब की क्लासेस को कभी लिखा मत करो, कोई भी क्लास हो किसी क्लास को लिखा मत किया करो ठीक है, सारी क्लासेस का क्या लिया करो, स्क्रीनशॉट लिया करो हर क्लास का, जितनी भी यूट्यूब क्लासेस आप अटेंड करते हो उनका स्क्रीनशॉट लिया करो, फिर आराम से बाद में उनको देख करके जो काम की चीजें रहा करें उनको लिख लिया करो ठीक है, इतना टाइम थोड़ी रहेगा यार। उज्जैन में क्या है, बाबा भोलेनाथ की नगरी महाकाल है, क्या है महाकाल है उज्जैन में, ध्यान रखना महाकाल बाबा भोलेनाथ जी महाकालेश्वर, यहीं पर क्या मिलेगा तो आप जानते हैं ठीक है, जंतर मंतर क्या लिखेंगे, जंतर मंतर यहाँ पर स्थित है उज्जैन में, क्या है जंतर मंतर यहाँ पर बच्चों क्या जाता है तो याद रखना पृथ्वी का केंद्र बिंदु, क्या बोलते हैं मंगलनाथ, मंगलनाथ क्या है पृथ्वी का केंद्र बिंदु है, मंगलनाथ क्या होगा तो मंगलनाथ ये क्या है पृथ्वी का केंद्र बिंदु, ध्यान रखिएगा पृथ्वी का केंद्र बिंदु कहां पर है, तो पृथ्वी का केंद्र बिंदु कौन है तो मंगलनाथ है ठीक है, ध्यान रखेंगे। और बच्चों यहां पर क्या, साइंस सिटी, मध्य प्रदेश का पहला जो साइंस सिटी है ना, विज्ञान शहर कहां पर बनाया गया, तो विज्ञान शहर आपके ये उज्जैन में स्थापित किया गया। कायथा एक प्राचीन स्थल है, ध्यान रखना कायथा क्या प्राचीन स्थल है, इसे 1964 में खोजा गया ठीक है, कायथा प्राचीन स्थल ये कहां पर है, कायथा प्राचीन स्थल याद रखना ये 1964 में खोजा गया। और वैदिक घड़ी ठीक है, यहां पर क्या स्थापित की गई, वैदिक घड़ी अभी हाल ही में स्थापित की गई है। छीपा शिल्प कला, ध्यान रखना बच्चों छीपा जो हस्तशिल्प कला है ना, हस्तकला, छीपा हस्तकला के लिए कौन जाना जाता है, उज्जैन जाना जाता है। और भैरवगढ़ छाप क्या लिखेंगे, भैरवगढ़ छाप इनके लिए कौन जाना जाता है, उज्जैन। सबसे ज्यादा मेला 227 मेले कहां लगते हैं पूरे मध्य प्रदेश में, सबसे ज्यादा मेले 227 ये उज्जैन में लगते हैं, कहां लगते हैं उज्जैन में, ध्यान रखिएगा ठीक है। ये जंतर मंतर क्या है, घड़ी देखते हो आज, आज जो आप घड़ी देखते हो टाइम देखते हो ना, घड़ी या टाइम कि घड़ी में इतने बजे हुए हैं ठीक है, तो पहले ग्रहों की स्थिति के अनुसार क्या था, ग्रहों की स्थिति के अनुसार जो टाइम देखने का एक पैरामीटर था, या मापन 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 यंत्र कह सकते हो, वो जंतर मंतर था। क्या था, जंतर मंतर किस लिए बनाया गया था, जंतर मंतर से समय का अध्ययन किया जाता था, किसका, टाइम की स्टडी की जाती थी, समय का अध्ययन किया जाता था ठीक है, ये क्या होता था, समय की गणना की जाती थी जंतर मंतर ठीक है। जो जंतर मंतर था ना, इसका मेन पर्पस क्या था स्थापित करने का, कि समय काल खंड की गणना करना, क्या था, काल खंड या समय की गणना करने के लिए इसे बनाया गया था ठीक है। कहां पर, तो ये भारत के 5 जगहों पे जंतर मंतर कहां बनाया गया था, सवाई राजा जयसिंह ने बनवाया था, जिनके नाम पे जयपुर शहर आज स्थित है ना, जो आज जयपुर शहर है ये जयपुर किसके नाम पर बसाया गया था, तो याद रखना सवाई राजा जयसिंह के नाम पर जयपुर बनाया गया था ठीक है, जयपुर बसाया गया था जयपुर शहर, और इन्होंने 5 जगहों पे ठीक है, ध्यान रखिएगा 5 जगहों पर क्या करा था, तो जंतर मंतर का निर्माण करवाया जयसिंह ने, कहां कहां करवाया था नोट करिएगा, तो वाराणसी क्या लिखिएगा, बनारस में करवाया, मथुरा जयपुर में करवाया ठीक है, दिल्ली में जंतर मंतर है, दिल्ली प्रदर्शन होते हैं, धरना प्रदर्शन आप सुने होंगे ना, आप दिल्ली वाला जंतर मंतर सुने होंगे, तो बनारस मथुरा जयपुर दिल्ली और उज्जैन, इन 5 प्लेसेस पर क्या स्थापित किया गया था, जंतर मंतर की स्थापना की गई थी ठीक है, इन 5 प्लेसेस पर जंतर मंतर की स्थापना की गई थी, ध्यान रखिएगा। कोई कंफ्यूजन अब तो नहीं है, हाँ या ना बता देना ठीक है, अब तो किसी बच्चे को कोई कंफ्यूजन नहीं जंतर मंतर से संबंधित ठीक है, ये जंतर मंतर वो जादू टोना मत समझ लेना है ना, कि लो मैं तुम्हें है ना तुम्हें भस्म कर दूंगा, तुम्हें गायब कर दूंगा, तुम्हें है ना लड़का से लड़की बना दूंगा, ऐसा वाला कुछ नहीं था जंतर मंतर ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अच्छा जब क्वेश्चन चेंज किया करें, अरे आप तो वैसे भी चेंज करते, इसको तो आप रोक सकते हो ना, अपने अपने यूट्यूब पे अपनी क्लास को यूट्यूब पे मोबाइल पर रोक दो, आपके पास तो आपका मोबाइल है, इसको पॉज कर दो, ऐसे रोक दो है ना, उसमें बटन में हाथ रख दोगे स्क्रीन पे अपने आप रुक जाएगा, हमारे रोकने से थोड़ी रुकेगा ये।
आप अपने आप को कोऑर्डिनेट रोक सकते हो। चलिए आइए बढ़ते हैं, तो यहाँ तक सारी चीजें आपको याद रहेंगी, बहुत सारी बातें हैं यार, ठीक है, बहुत सारी बातें हैं। यहाँ पर क्या है, मलखम्ब एकेडमी, कालिदास एकेडमी है, ठीक है, मलखम्ब एकेडमी नोट करेंगे, मलखम्ब एकेडमी उज्जैन में है, कालिदास एकेडमी क्या लिखिएगा, कालिदास एकेडमी ये कहां पर, उज्जैन में है। कालिदास छिपरा नदी के किनारे पर कौन है, तो छिपरा नदी के किनारे पर बाबा भोलेनाथ जी हैं। कौन है, छिपरा नदी के किनारे पर बाबा भोलेनाथ जी हैं। ये सारी बातें, मांडू फिर कभी और चर्चा करेंगे क्योंकि मांडू में बहुत सारी बातें। चलो भाई स्क्रीन शॉट ले लो फटाफट, ठीक है, इसका स्क्रीन शॉट ले लो फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए जल्दी से लीजिएगा स्क्रीन शॉट, इसका लेना है ले लो भाई, जल्दी से लो इसका स्क्रीन शॉट फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए नहीं, आपको लड़का से लड़की नहीं बनने की जरूरत है, आप लड़का ही रहो बेहतर रहेगा, ठीक है, आप लड़का ही रहो, आपको लड़की बनने की जरूरत क्या है, ठीक है, भगवान ने आपको लड़का बना के भेजा है, क्या मतलब है। हाँ, मालवा उत्सव टेपर सम्मेलन है, सब कहां पर मनाया जाता है, ध्यान रखना टेकरी यहाँ पर है, ठीक है, ध्यान रखना। वैश्य टेकरी कहां पर, उज्जैन में वैश्य टेकरी है, बहुत सारी बातें उज्जैन में है, आप समझ सकते हो ना, एक जिले को डिस्कस करेंगे बहुत सारी बातें आती है जिले के अंदर। आइए देखें फिर एक ही क्वेश्चन पे अटक जाएंगे, दतिया जिले में गांव की संख्या कितनी है, जनगणना 2011 के अनुसार, ये एमपी कांस्टेबल का पेपर है, ये मैं कुछ नहीं बता रहा हूं अपने से, ध्यान रखना, ये एमपी व्यापम ने पूछा है, एमपी कांस्टेबल का पूछा गया क्वेश्चन है 2022 का, 2022 में जो एमपी कांस्टेबल का पेपर हुआ था उसमें ये पूछा गया था कि दतिया में टोटल गांव की संख्या कितनी है, ठीक है। इंग्लिश की जगह मैथ की क्लास चल रही है, वो गलती से अपलोड हो गई होगी, ठीक करवा देंगे, ठीक है, मैथ की जो क्लास है उसमें इंग्लिश चल रही तो कोई बात नहीं, उसमें गलती से अपलोड हो गई होगी, है ना, वो टेक्निकल एरर हुआ होगा इस वजह से वो हो जाता है कभी कभार, ठीक करवा देंगे, आपकी मैथ की मैथ आ जाएगी और इंग्लिश की इंग्लिश आ जाएगी, ठीक है, घबराइए मत। दतिया जिले में गांव की संख्या कितनी है, जनगणना 2011 के अनुसार, दतिया में जो 735 गांव है, कितने गांव है दतिया में, याद रखना 735 गांव है 2011 की जनगणना के अनुसार, और ये एमपी कांस्टेबल का पेपर है, किसका, एमपी कांस्टेबल पेपर 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। दतिया में क्या पीताम्बरा पीठ है, क्या स्थित है यहाँ पर, तो पीताम्बरा पीठ याद रखना, पीताम्बरा पीठ ये दतिया में है, साथ में नोट करना यहाँ पर क्या है, तो ठीक है पीताम्बरा पीठ लिख लीजिएगा बच्चों, यहाँ पर क्या जाता है, सनकुआ का मेला लगता है दतिया में, सनकुआ का मेला, सनकुआ का मेला कहाँ लगेगा, दतिया में लगता है, यहाँ पर क्या गुर्जर अभिलेख स्थित है, क्या है गुर्जर अभिलेख, और दतिया के गुर्जर अभिलेख, गुर्जरा, ठीक है गुर्जरा अभिलेख लिख लेना, क्या लिखे गुर्जरा, तो यहाँ पर जो गुर्जरा अभिलेख है इसमें अशोक का नाम क्या मिलता है, तो याद रखना इसमें बच्चों अशोक का नाम अशोक मिलता है, ठीक है अशोक का नाम अशोक या फिर प्रियदर्शी, ठीक है आपने पढ़ा होगा किसके बारे में, प्रियदर्शी, अशोक का नाम क्या था प्रियदर्शी भी आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो जो ये प्रियदर्शी नाम मिलता है, अशोक का नाम अशोक और प्रियदर्शी दोनों कहां मिलते हैं, तो गुर्जर अभिलेख में मिलते हैं, ठीक है ध्यान रखिएगा, दो अभिलेख पूरे भारत में अशोक ने जितने भी अपने अभिलेख बनवाए थे, अशोक के पूरे भारत या दुनिया में जितने भी अभिलेख हैं, सिर्फ दो अभिलेख ऐसे हैं जिनमें अशोक का नाम अशोक या फिर प्रियदर्शी मिलता है, कौन कौन सा, तो एक तो गुर्जरा अभिलेख है बच्चों, और एक पन गुरड़िया, क्यों है पन गुरड़िया, ठीक है ध्यान रखना, पन गुरड़िया अभिलेख में, तो पन गुरड़िया अभिलेख ये सीहोर में आ जाता है, ठीक है, तो पन गुरड़िया अभिलेख और गुर्जरा अभिलेख, इन दोनों अभिलेखों में याद रखिएगा, इन दोनों अभिलेखों में क्या नाम है, तो अशोक का नाम या तो अशोक या प्रियदर्शी लिखा मिलता है, ठीक है। चलिए आगे देखा जाए तो इसी दतिया की बात करें तो दतिया में क्या सिंध नदी के किनारे पर स्थित है, किस पर है, सिंध नदी के किनारे पर कौन है, दतिया स्थित है, नोट करेंगे, ठीक है। यहाँ पर पीताम्बरा पीठ तो आपने लिख लिया, ठीक है पीताम्बरा पीठ हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा बच्चों यहाँ पर क्या इंद्रगढ़ का किला, क्या लिखेंगे, सॉरी इंद्रगढ़, ठीक है इंद्रगढ़ वाली माता मंदिर, क्या लिखिएगा इंद्रगढ़ यहाँ पर क्या है, तो माता मंदिर लिख लीजिएगा, इंद्रगढ़ माता मंदिर ये कहाँ पर मिलेगा, तो दतिया जिले के अंतर्गत आपको मिल जाएगा, ठीक है। नशा मुक्ति वाला फ्री, मतलब पूरे भारत में नशा मुक्ति में पहले स्थान पर कौन रहा, तो याद रखना दतिया जिला, पूरे भारत में, पूरे भारत में याद रखना नशा मुक्ति के मामले में केंद्र सरकार द्वारा किसे सम्मानित किया गया, तो दतिया को सम्मानित किया गया, किस मामले में, तो याद रखना इसको नशा मुक्ति में। आपको पता होगा जगदीप एक कलाकार हुआ था बच्चों, जगदीप जिन्हें क्या बोलते थे, सूरमा भोपाली, इनको क्या कहा जाता था, सूरमा भोपाली, ये जावेद जाफरी के पिताजी थे, क्या नाम था, सूरमा भोपाली, इनको क्या कहते थे, जावेद जाफरी जो है ना एक्टर है, एक्टर हैं, तो उनके फादर का नाम क्या था, जगदीप। इनका संबंध कहां से था, दतिया से था। आपने सुना होगा गामा पहलवान का नाम, किसका नाम, गामा पहलवान, और गामा पहलवान का भी नाम क्या है, तो गामा पहलवान का संबंध कहां से, दतिया से था।
ठीक है। देखो 2719 गांव, सबसे ज्यादा गांव कहां है, रीवा जिले में, ठीक है, मध्य प्रदेश के रीवा में। 2011 की गणना के अनुसार सबसे ज्यादा गांव कहां पर है, मध्य प्रदेश के रीवा में। अब तो रीवा डिवाइड हो चुका है, दो भाग में बट गया रीवा, एक तो रीवा हो गया, दूसरा मऊगंज हो गया। तो अब नई गणना में क्या हो जाएगा, दोनों में गांव विभाजित हो जाएंगे। फिलहाल 2011 के अनुसार सबसे ज्यादा गांव कहां थे, रीवा में। और सागर में कितने गांव हैं, तो सागर में बच्चों ध्यान रखना 2075, इतने गांव दूसरे नंबर पर, दूसरे नंबर पर गांव के मामले में सागर है, पहले पे कौन था, रीवा है, ठीक है, रीवा। और 526 गांव कहां पर, भोपाल में। 526 गांव कहां है, ये भोपाल के अंदर 526 गांव है। चलिए, और मध्य प्रदेश में टोटल गांव कितने हैं, तो मध्य प्रदेश में कुल गांव क्या लिखिएगा, मध्य प्रदेश में कुल गांव की संख्या कितनी है, तो लिखेंगे 54,903। कितनी गांव है, 54,903, 54,903 ये टोटल गांव कहां है, मध्य प्रदेश के अंदर। और तहसील कितनी, मैंने कल बताया था आप लोगों को कि तहसील की संख्या कितनी, 23,012 के लगभग क्या है, ग्राम पंचायत, तहसील 428 है। ग्राम पंचायत यहाँ पर कितनी बच्चों, तो ग्राम पंचायत की संख्या कितनी, 23,012 है। और तहसील कितनी है टोटल मध्य प्रदेश में, तो तहसील लिखेंगे 428 है। कितनी, 428 क्या है, तहसील आ जाती मध्य प्रदेश के अंदर। चलिए आगे देखें, अगला क्वेश्चन देखो कि अच्छा ठीक है, यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन है आप लोगों के लिए कि बच्चे आप लोग हमारे साथ सारथी बैच के साथ जुड़ सकते हैं। जो बच्चे एमपी कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं वो लोग हमारे साथ जुड़ सकते हैं। इसकी फीस 499 रुपया है। आप लोग यहाँ पर MP60 कोड जरूर इस्तेमाल करेंगे, 60% का आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। और MPSI के लिए 799 फीस है। और अभी बहुत जल्दी MPSI की वैकेंसी इसी जुलाई मंथ में, ठीक है, जुलाई मंथ में आपकी MPSI की भी वैकेंसी आ जाएगी। और क्लासेस इनकी हमारी एप्लीकेशन पे शुरू हो चुकी हैं, आप लोग जुड़ सकते हैं, अपने दोस्तों को भी बता दीजिए। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा गांव कौन सा है, ये देखो थोड़ा सा यहाँ पे गड़बड़ सा है, ये लिखिएगा जनसंख्या में, ये किसमें पूछा गया है, जनसंख्या में। सबसे बड़ा गांव जनसंख्या में कौन सा है, ठीक है, और किस जिले के अंतर्गत आ जाता है। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा गांव जो कि जनसंख्या की दृष्टि से है, ठीक है, मऊगंज जिला हो गया। हाँ प्रतिभा गौतम जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया, ठीक है, बिल्कुल बहुत सारी बातें हैं, ठीक है, तो बिल्कुल याद रखा। सोनागिरी भी है, दतिया में क्या, सोनागिरी है, ठीक है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में गुड़, हाँ बिल्कुल, क्योंकि दतिया में क्या है, तो याद रखना दतिया ग्वालियर के क्षेत्र में क्या था, वहां पर शुगर मिल थी, ठीक है, डबरा शुगर मिल लगाई गई थी, जिस वजह से वहां पर गुड़ के लिए जाना जाता आपका, जो कि भिंड मुरैना है ना, तो मुरैना की गजक जो कि तिल और गुड़ की बनाई जाती है, उसको GI टैग में दिया गया है। आइए देखें अगला क्वेश्चन क्या है, तो बताओ भाई सबसे बड़ा गांव कौन बच्चों, लालरिया, ठीक है, सबसे बड़ा जनसंख्या में गांव कौन सा, लालरिया है। और यहां पर तकरीबन 7,000 के लगभग यहां की जनसंख्या कितनी है, 7,000 के बच्चों लगभग जनसंख्या लालरिया के, जो कि मध्य प्रदेश के भोपाल में है। कहां पर, मध्य प्रदेश के भोपाल जिले के अंदर कौन सा है, लालरिया है, और लालरिया गांव का नाम है, और सबसे बड़ा गांव मध्य प्रदेश का है। ये क्या है, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा गांव है, किस मामले में, जनसंख्या के मामले में, ठीक है। अगर आपसे पूछे कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जिला जनसंख्या में कौन है, तो इंदौर, ध्यान रखना, जनसंख्या में सबसे बड़ा जिला कौन सा है, तो सबसे बड़ा जिला नोट करेंगे, सबसे बड़ा जिला इंदौर, जनसंख्या में सबसे बड़ा जिला कौन सा है, इंदौर है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। सबसे छोटा जिला, जनसंख्या में सबसे छोटा जिला कौन है, निवाड़ी, क्या लिखिएगा, निवाड़ी जो है ना, ये मध्य प्रदेश का सबसे छोटा जिला है जनसंख्या में, कौन है, निवाड़ी है, ध्यान रखना। यहाँ पर 4,00,000, ठीक है, कितना बच्चों, 4,00,000 के लगभग यहाँ पे जनसंख्या आ जाती है, ठीक है, 4,00,000 है जो कि सबसे छोटा जिला आ जाता है, ठीक है, कौन सा, निवाड़ी आ जाएगा। सबसे बड़ी तहसील आपसे क्या पूछे, मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी तहसील जनसंख्या में, सबसे बड़ी तहसील जो है ना ये जनसंख्या में कौन सी है, तो तहसील जो है सबसे बड़ी तहसील जनसंख्या में सबसे बड़ी तहसील कौन है, इंदौर तहसील है। क्या नाम है, इंदौर जो है ना ये जनसंख्या में सबसे बड़ी तहसील आ जाती है। आपसे पूछा जाए सबसे छोटी तहसील जनसंख्या में, सबसे छोटी तहसील क्या लिखेंगे, सबसे छोटी तहसील जनसंख्या में कौन सी मिलेगी, जरा बताइएगा, सबसे छोटी तहसील जनसंख्या में कौन सा मिल जाएगा, क्या लगता है, इसका आंसर बताइएगा, ठीक है। रौन हो जाएगी सबसे बड़ी तहसील, रौन सबसे बड़ी तहसील है, किस मामले में भाई साहब, रौन क्षेत्रफल में सबसे छोटी है, ठीक है। इंदौर जो है ना, ध्यान रखना, सबसे बड़ी तहसील क्षेत्रफल में कौन है, इंदौर। क्षेत्रफल में भी अगर पूछा जाएगा ना, तो क्षेत्रफल में नोट करना, क्षेत्रफल में
सबसे बड़ी तहसील कौन है? तो क्षेत्रफल में सबसे बड़ी तहसील इंदौर है, ठीक है। क्षेत्रफल में सबसे बड़ी तहसील कौन सी आ जाएगी? इंदौर आ जाएगी, ठीक है। क्षेत्रफल में सबसे बड़ी तहसील कौन है? इंदौर है। और क्षेत्रफल में सबसे छोटी तहसील रौन है। क्या नाम है? रौन। और रौन कहाँ आती? भिंड जिले में। नोट करते जाइएगा सारी बातों को, ये सब महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। जिन बच्चों ने पेपर कभी दिया होगा ना, उनको पता होगा कि मैं क्या बता रहा हूँ, ठीक है। ध्यान रखिएगा, तो याद रखेंगे क्षेत्रफल में सबसे बड़ी तहसील कौन है? इंदौर है। और क्षेत्रफल में सबसे छोटी तहसील क्या है? रौन है। सबसे छोटी तहसील क्या है? तो सबसे छोटी तहसील रौन है, जो कहाँ मिलेगी? भिंड जिले में। हमने आपसे पूछा था कि जनसंख्या में इंदौर जनसंख्या में सबसे बड़ी है, और अजयगढ़ कहां पर आता है? पन्ना में, ठीक है। और अजयगढ़ बच्चों ये पन्ना जिले के अंतर्गत आ जाता है, और जनसंख्या में सबसे छोटी तहसील, जनसंख्या में छोटा कौन है? तो छोटी तहसील, क्या लिखेंगे? छोटी तहसील जनसंख्या में कौन मिलेगी? तो छोटी तहसील जनसंख्या में नोट करिएगा, अजयगढ़ आएगी पन्ना जिले में। कहां पर? मध्य प्रदेश के पन्ना में ये मिल जाएगी, ठीक है। हाँ, सबसे छोटी तहसील अजयगढ़ पन्ना में। किस मामले में? जनसंख्या में। क्षेत्रफल में कौन है? तो क्षेत्रफल में याद रखना सबसे बड़ी इंदौर है, सबसे छोटी रौन है। कहां मिलेगी? भिंड में, ठीक है। सबसे बड़ा जनसंख्या में जिला इंदौर है, सबसे छोटा जिला निवाड़ी जनसंख्या में। और आपसे पूछे सबसे बड़ा संभाग, आपसे क्या पूछ सकता है? सबसे बड़ा संभाग बताइए, ठीक है। सबसे बड़ा संभाग किसमें? क्षेत्रफल में, ठीक है। सबसे बड़ा संभाग क्षेत्रफल में कौन सा है, जरा बताइएगा, ठीक है। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा और सबसे छोटा दोनों बताना है, ठीक है। सबसे बड़ा संभाग क्षेत्रफल में और सबसे छोटा संभाग क्षेत्रफल में, बताओ भाई जल्दी से। और जनसंख्या में भी सबसे छोटा बड़ा, समझ रहे मेरी बातों को? इतने टाइप के क्वेश्चन बनते हैं कि सबसे बड़ा संभाग क्षेत्रफल में, सबसे छोटा संभाग क्षेत्रफल में, सबसे बड़ा क्षेत्र जनसंख्या में संभाग, सबसे छोटा संभाग जनसंख्या में, ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं। इन बातों को याद रखना, ठीक है। इन बातों को आप याद रखना, हृदेश सागर नहीं होगा, ठीक है। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा संभाग सागर नहीं है, इस बात को नोट करना। जबलपुर है, क्षेत्रफल में सबसे बड़ा कौन है? तो क्षेत्रफल में सबसे बड़ा संभाग कौन है? तो क्षेत्रफल में सबसे बड़ा संभाग नोट करना जबलपुर है। क्या नाम है? जबलपुर। और जनसंख्या में कौन है? तो जनसंख्या में इंदौर। जनसंख्या में सबसे बड़ा संभाग कौन है? इंदौर संभाग। याद रखेंगे जनसंख्या में सबसे बड़ा संभाग कौन है? तो जनसंख्या में सबसे बड़ा संभाग इंदौर है, और क्षेत्रफल में सबसे बड़ा संभाग जबलपुर है, ठीक है। सबसे बड़ा जबलपुर है। जनसंख्या में छोटा कौन है? तो होशंगाबाद। जनसंख्या में सबसे छोटा संभाग कौन है? जनसंख्या में सबसे छोटा संभाग कौन सा है? तो याद रखना आपका नर्मदापुरम। और क्षेत्रफल में सबसे छोटा कौन है? तो याद रखना शहडोल है। क्षेत्रफल में छोटा संभाग शहडोल, और जनसंख्या में छोटा कौन है? तो नर्मदापुरम, जिसे कि होशंगाबाद कहते थे। चलिए आगे बढ़ जाएं, आगे बढ़ते हैं, बहुत सारी बातें, फिर से बहुत सारा हो जाएगा, ठीक है। इतना फिलहाल सफिशियंट है, इतना पढ़ते रहिएगा, नोट कर लेना सारी बातों को। मध्य प्रदेश ने अपने बजट का कितना प्रतिशत बजट 2023-24 में शिक्षा पर आवंटित किया है? अभी मध्य प्रदेश सरकार का बजट आया था, ठीक है। मध्य प्रदेश सरकार का क्या आया? बजट आया। इस बजट में, ठीक है, इस बजट में जरा बताइएगा कि शिक्षा में मध्य प्रदेश सरकार ने कितना खर्च किया है, ठीक है। यानी कितना पैसा कहां रखा है? बजट में रखा है अपने, किसमें? तो याद रखना शिक्षा क्षेत्र में। बताइए क्या लगता है इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? चलिए जितने बच्चे लाइव है सभी लोग कमेंट करेंगे, बताएंगे कि मध्य प्रदेश सरकार ने बजट में कितना पैसा शिक्षा के लिए रखा है, बताओ भाई जल्दी से। सही बच्चे क्लास को एक बार शेयर भी कर लीजिएगा, जितने बच्चे मेरे साथ लाइव है ना, सही बच्चे क्लास को एक बार शेयर भी करेंगे और बताइएगा कि मध्य प्रदेश सरकार ने बजट में कितना पैसा रखा है, ठीक है। शिक्षा के लिए बजट में कितना पैसा रखा मध्य प्रदेश सरकार ने, क्या लगता है इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए, बताओ भी जल्दी से। 6.4% नहीं, 6.4% नहीं होगा, ठीक है, 6.4% नहीं हो जाएगा। आइए देखते हैं, मैं आपको बताता हूं एक एक करके। देखो बजट सरकार ने जितना लगा, 16.1% शिक्षा में मध्य प्रदेश सरकार ने कितना रखा बजट में, तो शिक्षा में याद रखना एजुकेशन में मध्य प्रदेश सरकार ने 16.1% रखा है। ग्रामीण क्षेत्र के विकास के लिए, ग्रामीण विकास क्या लिखेंगे? ग्रामीण विकास के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने कितना रखा? 4.5%, ठीक है। ग्रामीण विकास रूरल डेवलपमेंट के लिए मध्य प्रदेश ने कितना बजट रखा है, तो याद रखना 4.5% ग्रामीण विकास के लिए रखा। कितना? ग्रामीण विकास के लिए। कृषि के लिए कितना रखा? एग्रीकल्चर यानी कि कृषि, यानी कि किसानों के लिए, कृषि के लिए कितना रखा बजट में प्रावधान, तो याद रखना 6.4% टोटल बजट का, जितना बजट मध्य प्रदेश सरकार ने बनाया
उसका 6.4 कहां रखा, कृषि के लिए। टोटल बजट का 4.5 ग्रामीण विकास रूरल डेवलपमेंट के लिए, और एजुकेशन के लिए कितना रखा टोटल बजट का 16.1%, ये कितना रखा शिक्षा के लिए रखा, ठीक है, किसके लिए शिक्षा के लिए इतना रखा गया, ठीक है। और एनर्जी 9% किसके लिए ऊर्जा क्षेत्र के लिए, किसके लिए ऊर्जा यानी कि एनर्जी सेक्टर के लिए कितना बजट रखा, तो 9% ये एनर्जी सेक्टर के लिए रखा मध्य प्रदेश सरकार ने, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन को मैंने चेंज किया है, क्यों चेंज किया है, एक्चुअली पूछा क्या गया था, इसमें पूछा गया था 2021-22, यह आपका जो पेपर कांस्टेबल का हुआ था ना 2022 वाला, तो 2022 के कांस्टेबल में क्या पूछा गया था, 21-22 का पूछा गया था। अब 21-22 का तो आपसे पूछेगा नहीं, इस क्वेश्चन को मैंने क्या कर दिया, सिर्फ इतना कर दिया यहां पर ईयर बदल दिया, नया क्वेश्चन क्रिएट हो गया, क्या हो गया नया क्वेश्चन क्रिएट हो गया, अदरवाइज क्वेश्चन एमपी कांस्टेबल का पूछा गया था, ठीक है, कहां पर एमपी कांस्टेबल में ये पूछा गया है। आइए देखें, महाराजा सवाई, क्या नाम लिखा है यहां पे, महाराजा सवाई राजा जयसिंह ने उज्जैन में वेधशाला का निर्माण कब करवाया, ठीक है, वही वेधशाला जो जंतर मंतर है, जो जंतर मंतर है ना, इसे क्या बोला गया, जंतर मंतर को वेधशाला कहा गया, ठीक है, जंतर मंतर जो है ना इसका उन्होंने उज्जैन में कब इसको स्थापित करवाया, उज्जैन में जंतर मंतर का निर्माण तब करवाया था सवाई राजा जयसिंह ने। चलिए बताएंगे बलराम जी, और सारे बच्चे क्लास को शेयर कर लो यार, ठीक है, जितने बच्चे हमारे साथ लाइव है यहाँ पे सारे बच्चे क्लास को एक बार शेयर कर लीजिएगा, ठीक है, सभी बच्चे क्लास को शेयर कर लीजिएगा और बताएंगे यहाँ पे जंतर मंतर का निर्माण कब करवाया था उज्जैन में, ठीक है, बताएं जल्दी से। आइए देखें, देखो सवाई राजा जयसिंह ने कब करवाया, तो उज्जैन में कब की बात है, उज्जैन में 1719 में क्या निर्माण करवाया, जंतर मंतर का निर्माण कब करवाया इन्होंने उज्जैन में, तो नोट करिएगा 1719 में करवाया था, किसने करवाया था सवाई राजा जयसिंह ने, इन्हीं के नाम पे जयपुर शहर बसाया गया, अभी मैंने आपको बताया कि जयपुर शहर बसाया गया। 1724 में क्या हुआ था, भोपाल राज्य, बच्चों याद रखना, आपने सुना होगा दोस्त मोहम्मद खान ने किसकी स्थापना की थी, तो दोस्त मोहम्मद खान ने भोपाल रियासत या फिर भोपाल राज्य की स्थापना किसने की थी, तो दोस्त मोहम्मद खान ने किया था, कब किया था 1724 में किया था, कब 1724 में, दोस्त मोहम्मद खान ये एक अफगान शासक था, क्या नाम था ये बच्चों एक अफगान शासक था, ध्यान रखना, और ये कहां था सिपाही था, अकबर की सेना में क्या था, मतलब मुगल सेना में क्या था, तो मुगल सेना में बच्चों ये एक सिपाही था, ठीक है, कौन था दोस्त मोहम्मद का, मुगल सेना का एक सिपाही था और ये एक अफगान शासक था, इसने भोपाल राज्य की स्थापना कब की थी 1724 में, और राजधानी क्या बनाया था जगदीशपुर को बनाया, ठीक है, इसने भोपाल में बच्चों एक जगह आती है जगदीशपुर, ठीक है, जगदीशपुर को इसने अपनी राजधानी बनाया था, ठीक है, अब जगदीशपुर का नाम क्या था इस्लाम नगर, इसने कर दिया क्या नाम कर दिया था इस्लाम नगर कर दिया था, लेकिन अभी आपको पता होगा कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज जी ने इसका नाम फिर से क्या कर दिया जगदीशपुर कर दिया, ठीक है, इस्लाम नगर का नाम बदल के फिर से क्या कर दिया जगदीशपुर कर दिया, ठीक है, फिर से नाम इसका बदल गया, और इसकी दोस्त मोहम्मद खां की मृत्यु कब हुई थी 1728 में इसकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है, 1728 में इसकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है, चलिए ध्यान रखेंगे। 1726 में क्या हुआ, तो 1726 में जो सिंधिया साम्राज्य की स्थापना हुई, किसकी स्थापना हुई सिंधिया साम्राज्य, और सिंधिया साम्राज्य कहां आता है ग्वालियर में, ठीक है, तो ग्वालियर में किसने किया था सिंधिया साम्राज्य की स्थापना, रणोजी सिंधिया ने, किसने किया था रणोजी सिंधिया ने कहां पर किया था रणोजी सिंधिया ने, तो रणोजी सिंधिया बच्चों जो कि क्या थे ये मालवा के क्या थे सूबेदार बनाया गया था, इनको और मल्हार राव होलकर को, दो लोग, एक तो रणोजी सिंधिया और मल्हार राव होलकर, इन दोनों को क्या बनाया गया था मराठा शासन काल में सूबेदार अपॉइंट किया गया था, तो रणोजी सिंधिया ने फिर क्या इनको मिल गया, इनको पूरा ग्वालियर क्षेत्र मिल गया था रणोजी को, और मल्हार राव को क्या मिल गया था, दोनों मराठा थे, ये भी सिंधिया कौन थे सिंधिया मराठा थे, इनको क्या मिला इनको ग्वालियर वाला पूरा भाग मिल गया, और होलकर को क्या मिल गया था इंदौर वाला पूरा भाग, तो याद रखेंगे, तो जो सिंधिया साम्राज्य की स्थापना कब हुई 1726 में, और 1732 में किसकी स्थापना हुई थी होलकर साम्राज्य, किसकी हुई थी होलकर साम्राज्य की स्थापना हुई थी, कहां पर इंदौर क्षेत्र में, तो होलकर जो साम्राज्य था इसके संस्थापक कौन थे, तो याद रखना मल्हार राव थे, ठीक है, क्या नाम था इनका
मल्हार राव होलकर, ठीक है, मल्हार राव होलकर ये कौन थे? तो ये होलकर साम्राज्य के संस्थापक थे, ठीक है, मल्हार राव होलकर। आगे बढ़ते हैं, अगले पॉइंट पर आ जाते हैं। चलिए आइए देखें अगला क्वेश्चन क्या कहता है, बताओ भाई। अच्छा एक चीज और याद रखना, ठीक है, एक चीज मैंने बताना भूल गया यहाँ पर, जब मैं बात कर रहा था दोस्त मोहम्मद खां के बारे में भोपाल, तो जो दोस्त मोहम्मद खां को बच्चों ये मिला था ना, भोपाल मिला था, भोपाल गिफ्ट में मिला था, उपहार में मिला था, ये बात पता है इसको? भोपाल जो भोपाल था ना, ये किसको मिला था? दोस्त मोहम्मद खां को उपहार में मिला था। किसने दिया था उपहार में? तो रानी कमलापति ने दिया था। रानी जो कमलापति थी ना, तो रानी कमलापति ने, ध्यान रखना, रानी कमलापति ने ये उपहार स्वरूप किसको दिया था? दोस्त मोहम्मद खां को, क्योंकि दोस्त मोहम्मद खां ने किसकी मदद की थी? रानी कमलापति और इनके हस्बैंड की मदद की थी, और यही एकमात्र रीजन था, ठीक है, यही एकमात्र रीजन था कि याद रखा इन्होंने इनको दे दिया था, भोपाल गिफ्ट कर दिया था कि तुम ले लो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, दोस्त मोहम्मद खान फिर इसने इसमें साम्राज्य की स्थापना कर दी। चलिए आगे देखें, केशव राव कृष्ण राव दाते का जन्म किस शहर में हुआ था? क्वेश्चन आपको पता है कि मध्य प्रदेश में हर एक एक जिले से किसी न किसी फेमस पर्सनैलिटी के बारे में क्वेश्चन आ जाता है कि बताइए मध्य प्रदेश के ये किस जिले से संबंधित है। आइए जरा देखें कहां से ये, तो इनका संबंध कहां से था? जबलपुर से था। कहां से था? जबलपुर से। किसका संबंध था? केशव राव कृष्ण राव दाते का संबंध कहां से? मध्य प्रदेश के जबलपुर से। और यहीं से कौन है? तो आपने सुना होगा जया भादुड़ी, यानी कि जया बच्चन, अमिताभ बच्चन की जो वाइफ है और अभिषेक बच्चन की माँ, ये कहां से? जया बच्चन मध्य प्रदेश के जबलपुर से हैं। अर्जुन रामपाल, आपने सुना होगा अर्जुन रामपाल, ये भी एक एक्टर है, है ना, तो कलाकार है अर्जुन रामपाल। इनका संबंध कहां से? अर्जुन रामपाल जी का, आदेश श्रीवास्तव, अब इनकी मृत्यु हो गई, अब इस दुनिया में नहीं है, तो आदेश श्रीवास्तव ये बच्चों कौन थे? म्यूजिक कंपोजर थे, आदेश श्रीवास्तव, ठीक है। इनका भी संबंध कहां से था? तो मध्य प्रदेश के जबलपुर से रहा है। कहां से? जबलपुर से रहा, ध्यान रखेंगे। चलिए इन बातों को नोट करेंगे। हाँ, रानी कमलापति भोपाल रियासत को दोस्त मोहम्मद ने धोखे से हड़प नहीं लिया था, इसलिए कहा जा सकता है कि उनको गिफ्ट कर दिया था, क्योंकि कोई और उनका बचा ही नहीं था, उनके हस्बैंड कमजोर हो गए थे, ठीक है, वीक थे, तो इतनी मदद की थी कि उन्होंने उनको गिफ्ट कर दिया था, धोखे से हड़पा नहीं था, इस बात को नोट करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले पॉइंट पर आओ भाई। मध्य प्रदेश लोकसभा के लिए चुनी जाने वाली पहली महिला कौन नहीं थी? ओ भाई साहब, बड़ा अजीब सा क्वेश्चन है, बताएं क्या लगता है इसका आंसर क्या होना चाहिए? मध्य प्रदेश में लोकसभा से चुनी जाने वाली इनमें महिला कौन नहीं थी? पहली महिला, मध्य प्रदेश आप सब जानते हैं, लोकसभा एमपी की बात करें, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मध्य प्रदेश में लोकसभा की 29 सीटें हैं, कितनी हैं? 29 सीटें लोकसभा की हैं, ठीक है, ध्यान रखना, लोकसभा की कितनी सीटें हैं मध्य प्रदेश में? 29 सीटें हैं, जिनमें से कि एसटी के लिए कितनी आरक्षित हैं? तो बच्चों याद रखना, एसटी के लिए टोटल 6 सीटें हैं, एसटी के लिए कितनी सीटें रिजर्व हैं? 6 सीटें, और एससी के लिए कितनी सीटें रिजर्व हैं? तो एससी के लिए 4 सीटें रिजर्व हैं, ध्यान रखना, ठीक है। अब जरा बताइएगा कि इनमें से ऐसी कौन सी ऐसी महिला थी जो पहली लोकसभा मध्य प्रदेश की कब मानी जाती? 1957, ठीक है, मध्य प्रदेश में पहली बार जब मध्य प्रदेश का गठन हुआ 56 में, 1 नवंबर 1956 में मध्य प्रदेश बनाया गया, तो मध्य प्रदेश का पहली लोकसभा कब हुई थी? पहली 52 में, फिर दूसरी 57 में, ठीक है, पहली लोकसभा कब हुई थी? तो 1951-52 में पहला लोकसभा चुनाव हुआ, दूसरा कब हुआ था? तो याद रखना, दूसरा लोकसभा का चुनाव हुआ था 1957 में, हुआ था कब? 1957 में दूसरी बार लोकसभा का चुनाव हुआ, तब तक मध्य प्रदेश गठित हो चुका था। तो मध्य प्रदेश की पहली ऐसी महिला कौन थी जो लोकसभा के लिए नहीं चुनी गई? इनमें से कौन सी ऐसी महिला है जो लोकसभा के लिए नहीं चुनी गई थी, ये पूछा गया है। देखो इनमें कौन नहीं चुना गया था? जमुना देवी, ठीक है, ध्यान रखना, जमुना देवी बच्चों ये लोकसभा के लिए नहीं चुनी गई थी पहली लोकसभा में 57 में। विजया राजे सिंधिया, ये कहां से चुनी गई थी? गुना से लोकसभा चुनी गई थी। सहोदरा राय, ये सागर से चुनी गई थी, कहां से? मध्य प्रदेश के सागर से सहोदरा राय। और मैमूना सुल्तान, ये भोपाल से, कहां से चुनी गई थी? ये भोपाल से लोकसभा की सदस्य बनी थी पहली बार। तो मध्य प्रदेश की जब पहली मध्य प्रदेश का जब गठन हुआ था 1956 में, इसके बाद जब चुनाव हुए थे तो तीन महिलाएं कहां से गई थी? मध्य प्रदेश से लोकसभा के लिए तीन महिलाएं गई थी। तीन महिलाएं कौन कौन सी थी? तो विजया राजे सिंधिया, सहोदरा राय और मैमूना सुल्तान, ये तीनों गई थी। और जमुना देवी क्या थी? विपक्ष की पहली महिला नेता थी। याद रखना, मध्य प्रदेश के इतिहास में मध्य प्रदेश विधानसभा नोट करना, मध्य प्रदेश विधानसभा विपक्ष की क्या लिखेंगे? विपक्ष की पहली महिला नेता कौन थी? तो विपक्ष की पहली महिला नेता कौन सी थी? तो याद रखना, जमुना देवी। ये कहां से थी? मध्य प्रदेश के धार जिले से थी। कहां से थी? मध्य प्रदेश के धार जिले से कौन थी? जमुना देवी जी थी, ठीक है, ध्यान रखिएगा।
हाँ उप प्रधान उप मुख्यमंत्री जमुना देवी कौन थी? कांग्रेस के शासनकाल में ये उप मुख्यमंत्री थी। ठीक है, उप मुख्यमंत्री कौन रही है? तो पहली महिला उप मुख्यमंत्री कौन थी? तो पहली महिला उप मुख्यमंत्री जमुना देवी थी। कौन थी? जमुना देवी जी थी। आइए जरा देखें अगला क्वेश्चन। इनमें से कौन सी चोटी मध्य प्रदेश में नहीं है? इनमें से बच्चों ये चारों क्या है? पीक है। ठीक है, याद रखना ये चारों क्या है? ये पीक्स हैं। ठीक है, तो इनमें से कौन सी ऐसी पीक्स है जो कि मध्य प्रदेश में नहीं है? ठीक है, इनमें से कौन सी ऐसी पीक्स है जो कि मध्य प्रदेश में नहीं है? देखो चौरागढ़ कहां पर है? तो चौरागढ़ बच्चों ये आपके सतपुड़ा में आ जाती है। कहां पर? चौरागढ़ जो चोटी है ना, ये सतपुड़ा पर्वतमाला पर आ जाती है, होशंगाबाद नर्मदापुरम जिले में। कहां पर है ये? चौरागढ़ ये नर्मदापुरम जिले में आ जाती है। और इसकी ऊंचाई कितनी? 1325 मीटर है। कितनी है? 1325 मीटर आपको मिलेगी। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसकी कौन किसकी है, तो सतपुड़ा में है चौरागढ़। पूर्वगढ़ ये भी कहां पर? सतपुड़ा में। और तिंतागढ़ पहाड़ ये भी कहां पर है? सतपुड़ा में। तो ये तीनों कहां मिलेंगे आपके? नर्मदापुरम सतपुड़ा पर्वतमाला पर स्थित तीनों के तीनों। ठीक है, इनमें तारामती कहां पर है? तो तारामती बच्चों ये महाराष्ट्र में है। ठीक है, तारामती कहां पर है? ये महाराष्ट्र में है और ये मध्य प्रदेश की ऊंची चोटी नहीं है। बाकी तीन की तीनों चौरागढ़ पूर्वगढ़ तिंतागढ़ पहाड़ ये तीनों मध्य प्रदेश में कहां मिलेंगे? नर्मदापुरम जिले में। आइए देखें मध्य प्रदेश के किस जिले में दलहन अनुसंधान केंद्र है? तो दलहन कहां पर? अमलाहा सीहोर में है। कहां पर है? अमलाहा, नोट करिएगा, अमलाहा सीहोर में क्या है? दलहन अनुसंधान केंद्र है मध्य प्रदेश में। इंदौर में क्या है? तो राष्ट्रीय क्या लिखे? केंद्रीय सोयाबीन संस्थान। क्या लिखिएगा? केंद्रीय सोयाबीन अनुसंधान संस्थान ये मध्य प्रदेश में कहां पर स्थित है? इंदौर में। और सीएनजी टर्मिनल, याद रखना सीएनजी टर्मिनल कहां पर स्थापित किया गया? इंदौर में स्थापित किया गया सीएनजी टर्मिनल। और सतना में क्या है? तो तुलसी, याद रखना तुलसी अनुसंधान केंद्र। यहां पर क्या लिखिएगा? तुलसी अनुसंधान केंद्र ये कहां पर स्थित है? तो तुलसी अनुसंधान केंद्र ये मध्य प्रदेश के सतना में स्थित है। कहां पर? मध्य प्रदेश के सतना में है। और झाबुआ में क्या है? झाबुआ में भी कोई है। ठीक है, आदिवासी अनुसंधान है। यहां पर क्या है? तो नोट करेंगे झाबुआ में आदिवासी अनुसंधान केंद्र है। क्या है? आदिवासी अनुसंधान केंद्र ये कहां? झाबुआ में। और बच्चों झाबुआ का कड़कनाथ मुर्गा, ध्यान रखना कड़कनाथ, ठीक है, कड़कनाथ मुर्गा, इसे क्या मिला? कड़कनाथ मुर्गे को जीआई टैग मिला। ये कहां का है? तो झाबुआ का है। और इसे कब मिला जीआई टैग? 2018 में जीआई टैग मिला। और झाबुआ की जो गुड़िया है ना, तो क्या नाम था? रमेश परमार और शांति परमार। अभी झाबुआ जिले के रमेश परमार, क्या लिखेंगे? रमेश परमार और शांति परमार, ये दोनों हस्बैंड और वाइफ हैं। इनकी जो गुड़िया है ना, इनकी गुड़िया बनाने के लिए क्या मिला इनको? पद्मश्री से सम्मानित किया गया। क्या मिला? पद्मश्री से सम्मानित किया गया। किसके लिए? तो जो झाबुआ कला की गुड़िया है ना, जो झाबुआ कला की गुड़िया है, इसके लिए बच्चों क्या मिला? पद्मश्री से सम्मानित किया गया रमेश परमार और शांति परमार, जो कि झाबुआ जिले से संबंधित है। चलिए थोड़ा डिटेल कम करते हैं, क्योंकि टाइम हो रहा है, क्वेश्चन थोड़ा ज्यादा कर लेते हैं। ठीक है, थोड़ा डिटेल कम करते हैं, थोड़ा क्वेश्चन ज्यादा कर लेते हैं, क्योंकि टाइम हो रहा है, फिर डिटेल पढ़ेंगे ना तो बहुत सारा क्वेश्चन छूट जाएगा। महिला नीति बनाने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? वीमेन पॉलिसी, क्या है? वीमेन पॉलिसी बनाने वाला देश का पहला राज्य कौन है? अपना प्यारा मध्य प्रदेश। ठीक है, वीमेन पॉलिसी बनाने वाला देश का पहला राज्य कौन है? मध्य प्रदेश है। और बच्चों मध्य प्रदेश ने महिला नीति कब बनाई? 1997 में। कब बनाई थी? 1997 में पहली महिला नीति। ठीक है, पहली महिला नीति ये मध्य प्रदेश ने कब बनाया? तो याद रखना 1997 में। खेल नीति कब बनाई मध्य प्रदेश सरकार ने? तो खेल नीति लिखेंगे 1989 में। खेल नीति कब बनाई? 1989 में। आपसे पूछे उद्योग नीति कब बनाई, कौन बताएगा? मध्य प्रदेश सरकार ने उद्योग नीति कब बनाई? ठीक है, इंडस्ट्रियल पॉलिसी, मध्य प्रदेश सरकार ने इंडस्ट्रियल पॉलिसी पहली बार कब बनाई, आप लोग बताए? काला मानसी नाम से जाना जाता है। ठीक है, काला मानसी, हाँ बिल्कुल काला होता है ना, इसमें प्रोटीन विटामिन बहुत सारे मिनरल्स होते हैं इसके अंदर। सॉरी,
क्या कह सकते हैं कि बहुत सारी ऐसी चीजें इसके अंदर हैं जो खाने के लिए जो लोग खाते हैं उनके लिए बड़ा फायदेमंद है। और प्योर ब्लैक होता है जो काला कड़कनाथ मुर्गा ना, प्योर ब्लैक होता है, बिल्कुल काला मांसी कहते हैं इसी वजह से। बताओ भाई उद्योग नीति, मध्य प्रदेश सरकार ने उद्योग नीति कब लाई थी, ध्यान रखिएगा ठीक है। चलिए आंसर कर देना इंडस्ट्रियल पॉलिसी। और वन नीति मध्य प्रदेश सरकार ने कब लाया ये भी बताइएगा, वन नीति फॉरेस्ट पॉलिसी, दोनों आप लोग बता देना ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। देखो अगला क्वेश्चन क्या है, किस क्षेत्र को भथा के रूप में जाना जाता है, इनमें से मध्य प्रदेश का कौन सा भाग है जिसे भथा कहते हैं, क्या बोलते हैं भथा। तो बच्चों देखो याद रखना, बघेल खंड का रीवा, जो बघेल खंड क्षेत्र का रीवा जिला है ना, तो रीवा जिले को क्या कहा जाता था, भथा कहते हैं ठीक है। इसे क्या बोलते हैं, भथा कहा जाता है बघेलखंड के रीवा को ठीक है, भथा कहा जाता है। और यही याद रखना, इसी रीवा में क्या है, तो सफेद शेर की भूमि, सफेद शेर की भूमि किसे कहते हैं, तो सफेद शेर की भूमि ये रीवा को कहा जाता है। पहली बार सफेद शेर पकड़ा गया था 1951 में, किसने पकड़ा था, महाराजा मारतंड सिंह ने, किसने पकड़ा था, महाराजा मारतंड सिंह ने सफेद शेर को पकड़ा था। और नाम क्या रखा था ठीक है, नाम रखा था मोहन, क्या नाम रखा था मोहन, इसका रखा नाम था ठीक है, सफेद शेर का नाम क्या था मोहन, ध्यान रखना। किसने पकड़ा था, महाराजा मारतंड सिंह ने, कब, 1951 में, कहां पर, रीवा क्षेत्र के राजा थे ये ठीक है, रीवा क्षेत्र के राजा थे। रीवा को क्या बोलते थे, भथा, रीवा का नाम रेवा, नर्मदा नदी के नाम पर, रेवा किसका नाम था, तो रेवा बच्चों ये नर्मदा नदी का नाम था। और रीवा को क्या कहा जाता था, तो रेवा भी कहते हैं और भथा भी कहा जाता है, दोनों नाम रेवा और भथा दोनों किसके नाम है, रीवा के नाम है, ध्यान रखना। जजाक भुक्ति, बुंदेलखंड को क्या कहा गया, तो याद रखना इसे जजाक भुक्ति के नाम से जानते थे, जजाक भुक्ति, क्या लिखेगा, जजाक भुक्ति, ध्यान रखिएगा, बुंदेलखंड को क्या कहते थे, जजाक भुक्ति के नाम से जाना जाता है ठीक है, जजाक भुक्ति नोट करना। हाँ प्राचीन नाम भथा था रीवा का, जजाक भुक्ति किसे कहते थे, बुंदेलखंड, जो आपका बुंदेलखंड है ना एमपी यूपी, जो झांसी बांदा चित्रकूट और महोबा वाला क्षेत्र आ जाता है ठीक है, ललितपुर ग्वालियर वाला जो भाग आ जाता है, इधर पे क्या था छतरपुर पन्ना, ये बुंदेलखंड आ जाता है बच्चों, और इसे क्या कहते थे, जजाक भुक्ति कहा जाता था ठीक है। मालवा, तो मालवा, चल मालवा को मालवा ही कहा गया ठीक है, मालवा को कोई और अन्य नाम तो देखा नहीं आज तक आप लोगों ने, ना मैंने सुना ना शायद आपने भी पढ़ा होगा ठीक है, कि मालवा को कुछ कहा। महाकौशल, महाकौशल कौन आता है, जबलपुर वाला भाग आ जाता है ठीक है, महाकौशल कौन है, तो ये जबलपुर ठीक है, जबलपुर वाले भाग को क्या कहा गया, महाकौशल कहा जाता था ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बताओ भाई नमक सत्याग्रह मध्य प्रदेश के किस जिले से शुरू किया गया था, नमक सत्याग्रह सॉल्ट मूवमेंट ये मध्य प्रदेश में कहां से शुरू हुआ था ठीक है, नमक सत्याग्रह जो है ये मध्य प्रदेश में इसकी शुरुआत कहां से हुई थी जरा बताइए ठीक है। नमक सत्याग्रह जो सॉल्ट मूवमेंट है ना, महात्मा गांधी जी ने शुरू किया था नमक सत्याग्रह ठीक है 1930 में, महात्मा गांधी जी ने कब 1930 में दांडी साबरमती टू कहां गए थे, दांडी गए थे, कि साबरमती से चल के कहां गए, दांडी गए, वहां पर नमक कानून बना, नमक का मतलब मुट्ठी भर नमक उठाकर नमक कानून को तोड़ा था। तो सेम 1930 में ही मध्य प्रदेश में नमक कानून तोड़ने के लिए आंदोलन कहां शुरू किया गया था, बहुत बढ़िया, क्या हो जाएगा, जबलपुर, याद रखना। नमक सत्याग्रह मध्य प्रदेश में कहां शुरू हुआ था, तो नमक सत्याग्रह ध्यान रखना ठीक है, नमक सत्याग्रह बच्चों कहां से हुआ था, तो ये जबलपुर से शुरू किया गया था, कहां से, जबलपुर से। और देखो सिवनी में किसने शुरू किया था, तो 1930 में ही दुर्गा शंकर मेहता जी ने, किसने, दुर्गा शंकर। ये क्वेश्चन आता है कि नमक सत्याग्रह, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि नमक सत्याग्रह सिवनी में किसने शुरू किया, 1930 में दुर्गा शंकर मेहता जी ने शुरू किया था ठीक है, किसने, दुर्गा शंकर मेहता जी ने। आपसे पूछा जाए देखो जबलपुर में दो तीन आंदोलन, 1923 का झंडा सत्याग्रह पूरे भारत में, याद रखना झंडा सत्याग्रह कहां शुरू किया गया था, तो झंडा सत्याग्रह जबलपुर में, और पहली बार इसमें बंदी किसको बनाया गया था, बंदी बनाया गया था, याद रखना क्या नाम था उनका, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थे ठीक है, क्या नाम था यार, भूल गया उनका नाम ही, यार क्लिक ही नहीं हो रहा, सुभद्रा कुमारी चौहान, याद रखना इसमें किसको बंदी बनाया गया था सबसे पहले, तो सुभद्रा कुमारी चौहान को, किसको बनाया गया था, सुभद्रा कुमारी चौहान को सबसे पहले इसमें कैद में डाला गया था ठीक है, इनको सबसे पहले बंदी बनाने वाली कौन थी, तो झंडा सत्याग्रह की शुरुआत कहां से हुई थी, जबलपुर से 1923 में, और सुभद्रा कुमारी चौहान को याद रखा, इनको जेल में डाल दिया था अंग्रेजों ने, कहां डाला था ठीक है। टाइम टेबल क्या है ऋषभ जी, अरे यार आप लोग टाइम टेबल क्या है, पढ़ाई क्या करो, देखो मैं आपको बता देता हूं जल्दी से फटाफट, 4 बजे आपकी इंग्लिश चलती है यूट्यूब पे ठीक है, 4 बजे इंग्लिश है, 5 बजे आपकी क्या रहती है, रीजनिंग की क्लास रहती है ठीक है, रीजनिंग की रहेगी, 6 बजे आपकी रहती है किसकी, 6 बजे आपकी रहेगी, ध्यान रखना आपके जीके जीएस की ठीक है, किसकी रहेगी, तो 6 बजे बच्चों आपकी किसकी है, जीके जीएस की ना, शायद जीके जीएस की है ठीक है, जीके जीएस की क्लास कितने बजे रहेगी, 6 बजे आपकी रहेगी, जीके जीएस की रहती है, 7 बजे आपकी साइंस की क्लास रहेगी, किसकी रहेगी,
7 बजे साइंस की क्लास रहेगी, 8 बजे आपकी पॉलिटी यानी कि जीके जीएस की क्लास रहेगी, पॉलिटी और जीके जीएस सारा मिस करके, 9 बजे एमपीजी के, ठीक है, 9 बजे जो रहेगा ना ये आपका एमपीजी के रहेगा, और हमारे ठीक बाद 10 बजे भी क्या रहेगी जीके जीएस की क्लास है। तो जीके जीएस के 2-3 क्लासेस चलवा दी गई हैं, बाकी ये क्लासेस है, बाकी सुबह भी क्लास रहती है, ठीक है। मॉर्निंग में 8 बजे मैं आप लोगों को करेंट अफेयर्स पढ़ाता हूँ, ठीक है, 8 बजे करेंट अफेयर्स रहेगी, 9 बजे रीजनिंग की क्लास रहती है, ठीक है, रीजनिंग की, 10 बजे आपकी किसके लिए हिंदी की क्लास रहती है, 11 बजे ज्योग्राफी और कंप्यूटर की क्लास चलती है, ठीक है, ज्योग्राफी और कंप्यूटर की क्लास रहती है, 12 बजे मैथमेटिक्स की क्लास रहती है, ठीक है, 12 बजे ये मैथमेटिक्स क्लास रहती है। तो ये सारा टाइम टेबल क्या है, ठीक है, ये सारा टाइम टेबल आपके यूट्यूब का है, बाकी एप्लीकेशन की जैसी क्लासेस हैं वो सारे बच्चों को पता, जिन्होंने एडमिशन ले रखा है आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं, जो बच्चे लाइव है हमारे साथ है। हम लोगों ने यहाँ पर एमपी पुलिस कांस्टेबल के लिए ये बैच लॉन्च किया है, सारथी बैच, और ये सारथी बैच आपका मात्र 499 रुपए का है, कितने का, 499 रुपए का है, और इसमें एमपी 60 कोड इस्तेमाल करिएगा, 60% का डिस्काउंट मिल जाएगा। और बच्चों इनकी क्लासेस शुरू हो चुकी, अभी 2 क्लासेस ही इसकी हुई है, तो आप लोग हमारे साथ जुड़ सकते हैं, और एमपीएसआई का जो बैच है 799 का है, ठीक है, 799 का है, तो आप लोग जुड़ सकते हैं, अपने दोस्तों को भी आप रेकमेंड कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और सेशन को शेयर कर लीजिएगा, ठीक है, सारे बच्चे क्लास को एक बार शेयर कर लीजिए। आइए बढ़ते हैं, हम बात कर रहे थे किसके बारे में, चलिए, तो दुर्गा शंकर मेहता ने बच्चों सिवनी से कहां से शुरू किया था, सिवनी से शुरू किया था, और टूरिया, देखो इसी सिवनी में क्या हुआ था, इसी सिवनी बच्चों टूरिया जंगल सत्याग्रह क्या हुआ था, टूरिया जंगल सत्याग्रह कहां हुआ था, तो टूरिया जंगल सत्याग्रह सिवनी में हुआ था। सागर में क्या हुआ था, रतौना सत्याग्रह क्या हुआ था, रतौना बच्चों, रतौना आंदोलन, और ये रतौना आंदोलन किस लिए हुआ था, तो याद रखना इसको किसने किया था, ये 1920 की घटना है, कब की घटना है, 1920 की। एक्चुअली यहां पर गायों को मारा जा रहा था, गायों को काटा जा रहा था, ठीक है, ध्यान रखना 1920 की बात है। माखनलाल चतुर्वेदी का नाम सुना आप लोगों ने, आपने सुना होगा माखनलाल चतुर्वेदी, तो माखनलाल चतुर्वेदी जी ने बच्चों ध्यान रखना, माखनलाल चतुर्वेदी जी ने कहां पर 1920 में रतौना क्या लिखा है, सिवनी से चंदन बगीचे में दुर्गा शंकर मेहता ने घास काटर जंगल सत्याग्रह का विरोध किया था, ठीक है, बहुत सारी बातें, ठीक है, ध्यान रखना, वहां पर गांधी चौराहा है, गांधी चौराहा से शायद उन्होंने ये भी किया था। देखो सरतौना, रतौना आंदोलन बच्चों के, रतौना आंदोलन ये 1920 में हुआ था, कहां हुआ था, तो मध्य प्रदेश के सागर में, कहां हुआ था रतौना, तो मध्य प्रदेश के सागर में हुआ था 1920 में, ये कहां हुआ था, रतौना, और ये माखनलाल चतुर्वेदी जी ने किया था, किस लिए किया था, यहां पर गायों को काटा जा रहा था, जानवरों को यानी स्पेशली गाय को, तो याद रखना इसके विरोध में इन्होंने आंदोलन किया था। और बैतूल से क्या हुआ था, घोड़ा डोगरी, बैतूल से क्या हुआ था, घोड़ा डोगरी जंगल सत्याग्रह क्या हुआ था, घोड़ा डोगरी, ये भी बच्चों जंगल सत्याग्रह था, और नमक कानून के विरोध में जंगल सत्याग्रह हुआ था, और ये भी किसके विरोध में, तो नमक कानून के विरोध में, किसने किया था, तो नोट करना गंजन सिंह कोरकू, किसने किया था, गंजन सिंह कोरकू, ये कोरकू जनजाति के बच्चों कौन थे, कोरकू जनजाति के ये गंजन सिंह जी थे, और इन्होंने गंजन सिंह कोरकू ने जंगल सत्याग्रह घोड़ा डोगरी जो कहां से हुआ था, बैतूल से, कहां से किया था, बैतूल से। बाकी सोहावल नरसंहार है, चरण पादुका नरसंहार है, रीवा का चावल आंदोलन है, पंजाब मेल हत्याकांड है, भोपाल का जलियावाला बाग कांड हत्याकांड, बहुत सारी ऐसी घटना है, फिर कभी हम और चर्चा करेंगे, ठीक है। चलिए आइए बढ़ते हैं अगले पॉइंट पर, ठीक है, आइए बढ़ते हैं अगले में, देखो क्या कहता है, आप बताएंगे इसमें प्राचीन नाम काकनाथ बाद के नाम से जाना जाता था, इनमें से कौन सा ऐसा जिला है या कौन सा क्षेत्र है जिसे कि काकनाथ बाद के नाम से जाना जाता था। एक्चुअली थोड़ा सा इसमें गलत है, ठीक है, इसमें थोड़ा सा क्या, एक चीज पॉइंट गलत है, मैं बताता हूं क्या गलती है इस क्वेश्चन में, एक्चुअली गलती क्या है, गलती ये है कि पूछा गया है काकनाथ बाद के नाम से जाना जाता था, और वो नाम ही इसमें नहीं है, ठीक है, वो प्लेस का नाम ही इस क्वेश्चन के ऑप्शन में नहीं है। एक्चुअली रायसेन का जो सांची है, रायसेन का बच्चों क्या है, सांची, तो रायसेन का जो सांची है ना, सांची को क्या कहा जाता था प्राचीन समय में, काकनाद बाद, इसे क्या बोलते थे, सांची को काकनाद बाद, ठीक है, काकनाद बाद ये किसे कहा जाता था, सांची को कहा जाता था, जो मध्य प्रदेश में कहां पर आता है, रायसेन जिले के अंतर्गत, ठीक है। विदिशा को क्या बोलते थे, बेस नगर, क्या बोला गया, विदिशा को प्राचीन समय में बेस नगर कहते थे, और भेलसा, ठीक है, भेलपूरी खाते हो ना, तो भेलपूरी से याद रखना क्या होगा, भेलसा हो जाएगा। और दसारण, इसी को क्या बोलते थे, दसारण के नाम से भी जानते, दसारण, ठीक है, ये दसारण, भेलसा, बेस नगर, ये सब किसके नाम है, ये सब विदिशा के नाम है, किसके, विदिशा, जो कि भोपाल संभाग के अंतर्गत आता है। ग्वालियर को गोपांचल, इसे क्या कहा गया, ग्वालियर को गोपांचल कहा जाता था प्राचीन समय पे। और जबलपुर को क्या था, महाकौशल या त्रिपुरी लिख लेना, इसे क्या बोला गया, महाकौशल एक्चुअली प्रांत का नाम था, या फिर इसे क्या बोला, त्रिपुरी, जबलपुर को क्या बोलते थे, त्रिपुरी,
ठीक है, त्रिपुरी कहा जाता था, ये सब बातें याद रखना, ठीक है। आगे बढ़े, यहां तक कोई कंफ्यूजन, किसी को कोई डाउट हो तो बताओ भाई। चलिए आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए आप लोगों को इसके बारे में तो बता ही गया कि आप लोग हमारे साथ जुड़ सकते हैं इसमें सारथी बैच में। आइए देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन कहता है राजस्थान की सीमा कितने जिलों को छूती है, है ना, सॉरी मध्य प्रदेश की, मध्य प्रदेश यहां पर क्या लिखेंगे, मध्य प्रदेश की सीमा राजस्थान के कितने, मतलब राजस्थान के साथ कितने जिले छूते हैं, मध्य प्रदेश के, राजस्थान की सीमा से कितने मध्य प्रदेश के जिले छूते हैं, यहां पर कितने मध्य प्रदेश के जिले छूते हैं, ठीक है। जो मध्य प्रदेश है ना, तो मध्य प्रदेश के ऐसे कितने जिले हैं, मध्य प्रदेश के ऐसे कितने जिले हैं जो राजस्थान की सीमा को छूते हैं, ठीक है। ऐसे कितने जिले मध्य प्रदेश के हैं जो राजस्थान की सीमा को छूते हैं, तो बच्चों याद रखना इसका आंसर क्या होगा, 10 हो जाएगा। राजस्थान मध्य प्रदेश के, याद रखना मध्य प्रदेश के जो जिले हैं राजस्थान के कितने जिलों को छूते हैं, तो या राजस्थान की सीमा को, तो 10 जिले मध्य प्रदेश के राजस्थान को। 14 जिले किसको छूते हैं, यूपी को। एमपी के 14 जिले किसको छूते हैं, यूपी को टच करते हैं, किसको, यूपी को टच करते हैं। 9 जिले किसको करते हैं, महाराष्ट्र को, ठीक है। 9 जिले किसको करते हैं, महाराष्ट्र को। और 6 जिले किसको करते हैं, छत्तीसगढ़ को। और सबसे कम कौन करता है, गुजरात को, ठीक है। सबसे कम किसको करते हैं, गुजरात को करते हैं। कितने जिले, तो 2 जिले हैं जो कि कहां करते हैं, गुजरात को। कौन कौन से वो हैं, तो अलीराजपुर और झाबुआ। 2 जिले कौन है, तो झाबुआ और अलीराजपुर। ये 2 जो जिले हैं ना, झाबुआ और अलीराजपुर, ये किसको टच करते हैं, तो याद रखना ये गुजरात को टच करते हैं, मध्य प्रदेश के। आइए ये देखें जरा क्या कहता है, जागेश्वरी देवी का मेला कहां लगता है, बताएंगे जागेश्वरी देवी का मेला ये मध्य प्रदेश में कहां पर लगता है, क्या लगता है, क्या कहता है आपका आंसर, ठीक है। शिवपुरी जिला उत्तर प्रदेश और राजस्थान की सीमा को छूता है, शिवपुरी के साथ साथ मुरैना भी करता है, ठीक है। मुरैना, ध्यान रखना, मुरैना और शिवपुरी 2 ऐसे जिले हैं जो, मुरैना और शिवपुरी 2 ऐसे जिले हैं जो राजस्थान के साथ साथ यूपी की सीमा को टच करते हैं, किसकी, यूपी की सीमा को टच करते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अशोक नगर को क्या, अशोक नगर में क्या लगता है भाई साहब, तो अशोक नगर में जागेश्वरी देवी का मेला चंदेरी में, कहां लगता है, चंदेरी, अशोक नगर के चंदेरी में जागेश्वरी देवी का मेला लगता है, ठीक है। जागेश्वरी देवी का मेला, जागेश्वरी देवी का मेला कहां लगता है, तो अशोक नगर चंदेरी में लगता है। हरदा में क्या लगता है, तो कान्हा बाबा का मेला सोडलपुर में, कान्हा बाबा का मेला, और कान्हा बाबा का मेला ये कहां लगता है, तो सोडलपुर में, कहां लगेगा, सोडलपुर में लगता है। और यही बच्चों हरदा में क्या, मकड़ाई का किला, बड़ा फेमस किला है मकड़ाई का किला, ध्यान रखिएगा मकड़ाई का किला कहां है, हरदा में है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए राजा किसने बनाया था, संग्राम शाह ने बनवाया था। दतिया में कौन सा लगता है, तो दतिया में सनकुआ का मेला, यहां क्या लगता है, तो सनकुआ का मेला, ठीक है। सनकुआ का मेला कहां लगता है, तो दतिया में सनकुआ का मेला लगता है। और खंडवा में क्या लगता है, तो खंडवा में सिंगाजी का मेला, ठीक है, सिंगाजी का मेला। ये कई सारे मेले कहां है, कहां, खंडवा में सिंगाजी का मेला है। इनमें से कौन ऐसा व्यक्ति जो मध्य प्रदेश से संबंधित है, ये सभी हैं, कौन है, ये सभी कवि प्रदीप उज्जैन से थे, कहां से थे, कवि प्रदीप उज्जैन से थे। पिजरे के पंछीरे तेरा प्रीत पीर न जाने को, ये है ना, सुना होगा, और कितना बदल गया इंसान, ठीक है, कितना बदल गया इंसान, ये सब गीत किसने लिखे थे, ये कवि प्रदीप जी ने लिखे हैं। असगरी बाई कहां से थी, तो असगरी बाई, भाई साहब ये असगरी बाई कहां की थी, असगरी बाई मुझे लग रहा है, जहां तक लग रहा है असगरी बाई कहां की थी, मंडला की, सॉरी कहां की थी, डिंडोरी की। असगरी बाई का संबंध कहां से था, तो असगरी बाई का संबंध बच्चों ये डिंडोरी से था, कहां से था, मध्य प्रदेश के डिंडोरी से था, रामगढ़ से, ठीक है। शिवमंगल सिंह सुमन ये कहां थे, साजापुर के थे, कहां के, साजापुर, मध्य प्रदेश के साजापुर के कौन थे, तो शिवमंगल सिंह सुमन। और रमेश चंद्र लाहोटी, रमेश चंद्र लाहोटी कहां के थे, तो याद रखना ये गुना के थे। और ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, ये क्या थे, ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत के मुख्य न्यायाधीश थे, ठीक है, याद रखिएगा। जगदीश शरण वर्मा मध्य प्रदेश के 2 ऐसे व्यक्ति थे जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे, कौन कौन, तो एक तो रमेश जी थे, एक तो कौन थे, रमेश जी, और दूसरे बच्चों जगदीश शरण वर्मा, एक कौन थे, जगदीश शरण वर्मा। और जगदीश शरण वर्मा कहां के थे, मध्य प्रदेश के सतना जिले से थे, सतना से थे। और लाहोटी, रमेश लाहोटी जी कहां से थे, तो ये मध्य प्रदेश के गुना से थे। और ये दोनों क्या थे, आज तक के मध्य प्रदेश के इतिहास में, आज तक के मध्य प्रदेश के इतिहास में यही 2 ऐसे व्यक्ति रहे हैं जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रहे हैं, ठीक है, मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मध्य प्रदेश के, ठीक है, 2 व्यक्ति रहे, लाहोटी जी और जगदीश शरण वर्मा जी। आइए जरा देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, मध्य प्रदेश का कौन सा संभाग है जिसके सभी जिलों से कर्क रेखा गुजरती है, इसका आंसर आप लोग होमवर्क में बताएंगे, ठीक है, आप लोगों के लिए होमवर्क है। अब मैं क्लास यहीं पे ओवर करता हूं, कल मिलता हूं रात में 9 बजे फिर आप लोगों से एक नए सेशन में, और सुबह 8 बजे करेंट अफेयर्स की क्लास में, ठीक है,
सुबह 8 बजे करेंट अफेयर्स की क्लास में और रात को 9 बजे हमारी जो एमपीजी के चल रही है, बिल्कुल आप एक एक अगले जो 50 दिन है ना, जब तक आपका पेपर नहीं हो जाता बिल्कुल बने रहिएगा। आप लोगों को इतना करेंट, इतना एमपीजी के पढ़ा देंगे, आपको मतलब कोई क्वेश्चन मिस होगा ही नहीं, ठीक है। इतना एक इतना दे देंगे कंटेंट ना कि आपको कोई क्वेश्चन मिस नहीं होगा। तो आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर जरूर करिएगा। साथ में मैंने मेरा एक क्वेश्चन और है कि आप लोग हमारे सारथी बैच के साथ जुड़ सकते हैं, अपने दोस्तों को भी बता सकते हैं, स्पेशली उन बच्चों को जरूर बताइए जो नीडी है, मतलब कहने का कि जिन्होंने तैयारी नहीं की, जिनके पास इतना पैसा नहीं है कि वो बाहर बड़े शहरों में जाकर के पढ़ाई कर पाए, यानी कि छोटे छोटे शहरों के गांव के जो बच्चे हैं ना, आप उन्हें जरूर बताइए कि हमारे इस बैच के साथ जुड़ सकते हैं। वो 499 का ये है, ठीक है। इसमें हम आप लोगों को रिकॉर्डेड क्लासेस सारी दे रखे हैं, रिकॉर्डेड ऑलरेडी अपलोड करवा दी है, साथ में लाइव क्लासेस हैं, जैसे भी चाहे आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। चलिए तो 5 संभाग से, हाँ बिल्कुल 5 संभाग से क्या निकलती है, कर्क रेखा, और भोपाल के सभी संभागों, भोपाल संभाग के सभी जिलों से क्या है, कर्क रेखा ये पास होती है। बाकी 14 जिले हैं, ठीक है, 14 जिले 8 राज्यों से कर्क रेखा पास होती है भारत के, और मध्य प्रदेश के 14 जिलों से, रतलाम से इंटर होती है और शहडोल से क्या होती है, एग्जिट होती है, बाहर होती है ये। तो उम्मीद करता हूँ, ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि ये समझ में आया होगा, ठीक है। छतरपुर की थी ना असगरी बाई, छतरपुर की थी ना, अच्छा अच्छा ठीक है, ओके ओके, गिरधारी बाई थी, ओके ओके ठीक है ठीक है। हाँ यहाँ पर कौन हो जाएगा, गिरधारी बाई कहाँ की थी, तो गिरधारी बाई आपके, गिरधारी बाई यहाँ पर क्या था, कहाँ पर गया, ठीक है, कहीं तो बता रहा था ना मैं आपको कहाँ पर गया, गिरधारी बाई, ठीक है, गिरधारी बाई कहां से संबंध था, तो गिरधारी बाई याद रखिएगा, ठीक है, गिरधारी बाई का संबंध यहां पर था ना, ये था असगरी बाई, तो असगरी बाई बच्चों ये कहां था, तो असगरी बाई का छतरपुर से संबंध था, और कौन सा, गिरधारी बाई, गिरधारी बाई इनका संबंध लिख लीजिएगा डिंडोरी से था, ठीक है, गिरधारी बाई, ये रानी अवंती बाई की अंगरक्षिका थी, किसकी थी, अंगरक्षिका थी किसकी, रानी अवंती बाई की, तो डिंडोरी, इसको क्या कर लें, डिंडोरी रामगढ़। चलिए तो फिर सेशन को आज यहीं पे समाप्त करते हैं, उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने समझा होगा। टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि, कल मिलते हैं।